नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं और किशोर सर आपके साथ 4:45 गुरु नीति का चौथा वीडियो 45 वीडियो आपके पास आ रहे हैं गुरु नीति के। आज फोर्थ वीडियो है जिसका हेडिंग है मोशन इन टू डायमेंशन। बट टू डायमेंशन में आप जानते हो दो ऑब्जेक्ट दो होते हैं हमारे, एक तो होता है प्रक्षेप्य और एक होता है सर्कुलर। आज हम बात करें किसकी प्रक्षेप्य की बात करेंगे। देखो दोस्तों, 2D में दो सेपरेट पार्ट है, सर्कुलर भी दो प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आज हमारी क्लास जो है इसमें कितने क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है जिसपे हम केवल और केवल बात करेंगे 2D के बेसिक कॉन्सेप्ट की और प्रक्षेप्य गति की, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। शुरू करें लो सर, किशोर सर पेन पकड़े अपने हिसाब से आ जाओ भाई। देखो दोस्तों, सबसे बेसिक ही 2D होता है। 2D का मतलब है दो अक्ष पे कोई पार्टिकल मूव करना। जैसे आप इधर देखो, जैसे ये है, मैं यहां से कोई पार्टिकल फेंक रहा हूं तो आप देखो दोस्तों, ये रहा, समय के साथ इसका अक्ष भी चेंज हो रहा है, इसका वाई भी चेंज हो रहा है। देखो हो रहा ना, इसका एक्स डेटा भी चेंज हो रहा है और वाई डेटा भी चेंज हो रहा है। इसको अपन कहेंगे 2D। क्वेश्चन 7 कहता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पार्टिकल चेंज अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू है डीएम। आप किशोर सर शुरू करें भाई। सेवन टी प्लस फोर टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू दोस्तों फाइव। अब वो कहता है कि 5 सेकंड पे इसका एक्सलेशन क्या है। देखो ध्यान सुनो दोस्तों, कोई भी बिंदु होता है उसका कोऑर्डिनेट आप यदि आर मान लेते हो तो आप इसको ये कह सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक बार मैं इस क्वेश्चन से बाहर आता हूं, पेज खाली करें दोस्तों। रियल में किसी भी पॉइंट के जो पोजिशन वेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सुनो, एक्स वाई जेड तीन है तो वो 3D हो जाएगा, दो है तो वो 2D हो जाएगा और एक है तो वो 1D हो जाएगा। तो आप यहां 3D 2D 1D तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ समझ लो। ये उस बिंदु का पोजिशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। अब हम एक बात जानते हैं अच्छी तरह से, अब यदि मैं इसको V में चेंज करूं तो ये क्या कहेगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इसका अर्थ ये है कि इस बिंदु का एक्स एक्स पे ये है, वाई पर ये है, जेड पे ये है। कौन स्थिति, ये क्या है, उसका वेग है। और दोस्तों आप जानते हो, आपको इसका त्वरण निकालना हो तो आप क्या करो, ए एक्स आई कैप आप इस तरह फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हो, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। सिंपल बात सुनो आप, हम तो कॉमन बात शुरू कर दी हमने, 3D की बात शुरू कर दी। एक हटा दो 2D बस जाएगा, दो हटा दो 1D बस जाए, तीन उठा दो कुछ नहीं, किस में आ गया अगला, विराम कंडीशन में आ गया, सीधी सी बात है मूल पोजिशन पे आ गया। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और एक बात तुम जानते हो, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि दोस्तों आपका मान लो R दिया हुआ है, R का एक बार आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी का फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे या दोस्तों स्थिति का दो बार करेंगे अवकलन तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब सुनो, इसको आर कह दो, एस कह दो, डिस्टेंस है ये, मीटर है यार ये, सीधी सी बात, मीटर का एक बार करोगे वेलोसिटी आएगी, मीटर का दो बार करोगे तो एक्सिस आ जाएगा। अब वो एक्स एक्स पे है उसका कंपोनेंट है, वाई वाई पे है तो वाई कंपोनेंट है, जेड पर है तो जेड कंपोनेंट है। ओके डियर, और इन सबका परिमाण निकालना हो तो मैं बोर्ड खाली कर दूं, इन सबका जब भी परिमाण निकालना हो तो आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे अपन इसको ऐसे कह दें कि माना कि एक तो कंफ्यूज जाएंगे बोलो, माना कि ये आपका दोस्तों कोई आर है तो आप क्या कहेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यदि आपको इसका परिमाण निकालना हो तो हम अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो वाई का कंपोनेंट है उसका वाई, सिंपल सी बात है। अब R का निकालना हो तो ये फॉर्मूला आएगा, V का निकालना हो तो V के रूप में आ जाएगा, A का निकालना हो तो A के रूप में आ जाएगा, F का निकालना हो तो F के रूप में आ जाएगा। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें आप लोग, एक साथ हमने सारी बात छेड़ दी है, ठीक है, X, Y, Z, 3D को बेस बनाते हुए आ जाओ जी।
अब आप हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है x इक्वल टू 7t प्लस 4t स्क्वायर, y इक्वल टू 5t। हमें क्या चाहिए रे? एक्सीलरेशन। इसका मतलब कितने बार अवकलन करेंगे किशोर भाई? दो बार। आ जाओ, पहला अवकलन करेंगे dx by dt, तो क्या बनेगा v, क्या बनेगा रे बोलो? 7 प्लस 8t, समझे ना? 7t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 7, ये 4t स्क्वायर है, जो दो नीचे आ गया 8t, ऐसे ही ये आपका dy by dt, हाँ, इसको दोस्तों vx कहेंगे। ध्यान रहा, ये v है किस x पे? x एक्स पे। ये dy by dx, सॉरी dt, सॉरी मतलब लिख दिया मैंने यार, dy by dt, ये क्या कहलाएगा मेरा? vy, ये कितना होगा? 5। बट मेरे को एक्सेलरेशन, तो मेरे को इसका एक बार फिर अवकलन करना होगा, dx स्क्वायर by dt स्क्वायर, ये मेरा क्या कहलाएगा? ax। 7 का क्या हो गया? 0। इसका क्या हो गया? 8। इसका दोस्तों मैं फिर एक बार अवकलन करूंगा, dy स्क्वायर dt क्या हो गया? 0। लो जी, बोलो हाँ है ना। और इसको हम क्या कहेंगे भैया? ay कहेंगे। कलर चेंज करो तेरे लिए, ध्यान दे, इट्स माय इंपॉर्टेंट। x अवकलन किया, vx आया, अवकलन किया, ax आया, एक बार डिफरेंशिएट किया, vy आया, फिर किया ay किया, तो इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन करना। तो सुनो बेटा, जिसको लगता है मेरे को फिजिक्स नहीं आती है, उसको फिजिक्स नहीं, उसको अवकलन करना नहीं आता। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करना सीखें, नहीं आता हो तो इस क्लास को रोको, आप अपने बिल्कुल सिंपल 11th क्लास के टॉपिक में जाके सबसे पहले अवकलन करना सीखो, डिफरेंशिएशन करना सीखो। आपने कर लिया तो दोस्तों आपके सामने सामने ये जो रिजल्टेंट ए है, ये क्या आएगा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जेड कैप और ए जेड के कैप। आ जा, तो तेरे सामने सामने ए एक्स कितना भैया? 8 आई कैप। ए वाई क्या है? 0। ये क्या है? 0। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई 8i कैप, और इसका परिमाण निकालना है, तो तेरे सामने परिमाण कितना आ गया? 8। क्वेश्चन में आ जा भैया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाय चांस दिशा पूछ ले तो दोस्तों आप जानते हो 8i कैप है। i कैप का मतलब यार बुर्गे क्या है? पूरे बुर्गे क्या? बुर्गे क्या? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है? पूर्व की ओर है। क्लियर? चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर कह देता हूं, x की पावर n का भी अवकलन करना हो तो n x n माइनस 1 हो जाता है। क्लियर है ना? बस ये याद रखना चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा भैया, शुरू आ जा। अगला वही क्वेश्चन है, किसी टाइम t पे इसके कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या है? at स्क्वायर। y इक्वल टू क्या है? bt स्क्वायर। z इक्वल टू क्या है? 0। तो जरा बताओ, ये 1D है, 2D या 3D है? 2D है। 2D क्यों है? Z का मान 0 है। अगर मुझसे क्या पूछिए? चाल। मुझसे क्या पूछिए? स्पीड। तो मैं कितने बार करूंगा इसका डिफरेंशियल? एक बार। आ जाओ, ये क्या है? dx by dt। ये क्या बनेगा किशोर भाई? vx। कितना बनेगा? 280। ये कौन है? dy by dt। ये तेरा क्या बनेगा? vy। ये तेरा क्या बनेगा? 2bt। इसका अवकलन क्या हो गया ऑलरेडी? 0। तेरे को चाल चाहिए तो तू क्या कहेगा? v इक्वल टू क्या कहेगा बोल? vx i कैप प्लस vy j कैप। तो पेज खाली करना भैया। तो डियर, अब तेरे सामने सामने व्हाट इज vx? 280। तो इसका मान है 280 i कैप, और वो क्या भाई? 2bt j कैप। हमें चाल चाहिए तो इसका परिमाण निकाल लो। तो परिमाण तुम जानते हो क्या है? इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या है? 4a² t² इसका परिमाण क्या है? 4b² t². तेरे लिए कलर चेंज कर लो। तो दोस्तों इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, तो ये तेरा मॉडिफाई करोगे तो 4 बाहर आएगा, t² बाहर आएगा, तो क्या बाहर आएगा? 2t बाहर आ जाएगा। ये तेरा 2t बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया भैया? a² प्लस b² बोलो हाँ या ना। अब जल्दीबाजी मत करो, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, चंद पॉइंट्स है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, परवलय पथ की गति पे हम आपको 36 क्वेश्चन देंगे। मैं ऐसा मानता हूं नीट में इसके बाहर कुछ बचता नहीं है, और 36 कर लोगे ना दोस्तों, तो 36 के सारे बहुत से बातें आप ये कर जाओगे। या तेरे सामने देखो, सबसे पहले x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, एक बार डिफरेंशिएट किया, x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, इसको हमने पूरा यहां पुट किया, इसी तरह इसमें पुट किया, पुट करने के बाद इसका हमने क्या निकाल दिया? परिमाण निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। आ जा आंसर में, आ जा। तो 2t a² + b² आंसर क्या हो गया भैया? सेकंड हो गया। बोलो ठीक है? यस।
वो सिस्टम क्या, बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, हाँ, बच्चे उस टाइम जल्दी करते हैं। बस सही बात है, प्रैक्टिस के समय बच्चों को टाइम देना चाहिए। जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, सही है, समय दे रहे हैं, हम आराम से कर रहे हैं ना, जोरदार समझो, जैसे हम आराम से कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं ना, एक भी लाइन खा नहीं रहे, इसलिए खाए नहीं कुछ भी, खाने में खाना खाए, क्वेश्चन नहीं खाए, थर्ड पे आ जाओ, आ जाओ फिर आपके, ये देखो आ कितना सोना क्वेश्चन है, देखो कर्ण का प्रारंभिक वेग यानी यू, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू क्या है, 3i+4j। चल एक बार आगे नहीं बोलूंगा, ये क्या कह रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ कि एक्स एक्स पे कण का वेग 3 है और वाई पे कण का वेग 4, ये समझो बच्चों, ये इस कण की इनिशियल वेलोसिटी है। किशोर ने एक बात कही कि कॉन्स्टेंट है, क्यों, टी कहीं नहीं आ रहा, 3i और 4j तो टी नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आगे बात और जोड़ू मैं, इसका अर्थ सुनो बच्चों, आई के साथ जो है वो एक्स एक्स का आंकड़ा है, जे के साथ है वो एक्स का आंकड़ा है, जेड के साथ हो, के के साथ हो जेड एक्स का आंकड़ा है, और यहां स्पष्ट है कि आई के साथ 3 है, यानी इस कण का एक्स एक्स के साथ वेग 3 मीटर, वेग क्यों है, यू है, या ए होता तो एक्स एक्स का त्वरण हो जाएगा। ओके, अगला देखो, त्वरण ये रहा, जो कलर चेंज कर लेते रहिए, तुरंत ये रहा, ये क्या कहता है, 0.5i+0.3j। इसका अर्थ क्या है कि इसका तुरंत नियत है, नियत क्यों है, टी नहीं है, भाई जब टी नहीं है तो चीज नियत है, देखो टी आ गया तो कोई चीज कांस्टेंट है, हो ही नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है, समय के साथ दो बातें हैं, समय कभी नेगेटिव नहीं होता और समय कभी रुकता नहीं है, समय कांस्टेंट नहीं हो सकता और समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका अर्थ पता क्या, इसका अर्थ है कि इस पार्टिकल का एक्स एक्स पे कितना त्वरण है, 0.4, इस वाई पे कितना है, 0.3। अब वो कहता 10 सेकंड पश्चात इसकी चाल बताओ, लड़के मेरी क्लास का सबसे सुंदर फॉर्मूला v=u+at, बोल हाँ यार, यस, जानता ना तू, v=u+at, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है, यू क्या है, इनिशियल, वी क्या है, फाइनल, ए क्या है, एक्सीलरेशन, टी क्या है, वह समय जिसके बाद वेग यू से वी हो गया, आके आजा, बोले तो यू, बोले तो ये रहा 3i+4j कैप लगा दे, कैप भूल भी जाए बाय चांस, ए कितना है, ये टी कितना है, 10, तो 10 क्या है, 0.4i+0.3j, तो पेज खाली करना बेटा जी, ऊपर ले चलो इसको, ले मैं तेरे लिए ऊपर ले चलो, तो ये देख तेरे सामने v क्या है, 3i+4j+4i+3j, ओके डियर, तो ये तेरे सामने सामने क्या आ गया, 7i+7j। अब आंसर क्या पूछा है, आना आंसर में, आना आंसर से आगे चल, तो इसका रिजल्ट निकाल ले, तो रिजल्ट निकालेगा तो तेरे सामने सामने तू जानता क्या करेगा, 7 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, 7 गया, भूल गया क्या, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का रूट, इतना जानते हो ना कि वेक्टर में रिजल्टेंट निकालते हैं तो एक्स कंपोनेंट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर का रूट, रूट, हेलो जी आंसर आ गया, आ जाए क्वेश्चन आंसर आ जा, ये ले बेटा जी आंसर क्या आ गया, 7√2, बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नीट में ही तो कुछ आता है भाई। अब इसको 1D बोल दो चाहे 2D बोल दो चाहे 3D बोल दो, यार 3 क्यों बोलते हो भाई, 3 है तो 3D हो गया, 2 है तो 2D हो गया, 1 है तो 1D हो गया, आगे चलो भैया 4th में आ जा, फिर वही कहानी, ये आपके प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगला साफ कहता हाइट वाई डिस्टेंस एक्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल ऑफ फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन आर गिवन, वाई ये है एक्स, ये इनिशियल स्पीड ऑफ द, y = 8t - 5t² तो ये हो गया, और x = है डियर 60। अगला कहता है कण का इनिशियली चाल, तो सबसे पहले आपको निकालनी है परिणामी स्पीड, और इनिशियल का मतलब होता है t = 0। बस आ जा, ए सबसे पहले बना, बोलो किशोर भाई बनाऊं, yes. तो dy/dt क्या बनेगा इसका, vy कंपोनेंट, इसके वेक्टर लगा दे, लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तेरा 8 - 10, बोल हाँ जाना, क्यों 8t का अवकलन क्या होगा, 8 5t² दो नीचे आता है 10t, तो इसको अलग कर दे ऐसे, इसको तू ऐसा कर dx/dt कर दे, तो ये dx/dt क्या हो जाएगा, v अक्ष का कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो गया, 6 हो गया, पेज खाली कर, बोलो बोलो बोलो,
तो ये वी वाई वो वी एक्स आ जाए क्लियर। अब तेरे सामने क्या होता है, तू जानता है वी एक्स का आई कैप, वी वाई जे कैप, पूरी बात करूं मैं वी जेड जे कैप, कुछ है ही नहीं वी जेड, यहां जरूरत ही नहीं है। तो वी एक्स आई कैप कितना है भैया, सिक्स आई कैप प्लस वी वाई क्या है, एट माइनस टेन जे कैप प्लस जीरो। लेकिन उत्तर यहां इंपॉर्टेंट चीज है, अगला कहता है मेरे को क्या क्या चाहिए, इनिशियल चाहिए, इनिशियल चाहिए, तो मैं टी की क्या पुट करूंगा, जीरो, तो टी की जीरो पुट करूंगा, सिक्स आई तो सिक्स आई रहेगा, ये क्या बन जाएगा, एट जे, बस ये तेरे सामने एट जे बन गया। अब तेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो जानता है सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, एट का स्क्वायर 64 होता है, वो तेरे सामने रूट 100 होता है, आंसर क्या आ गया, टेन, बोल हाया ना, क्वेश्चन लिखा, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता भी, इससे आसान बात तो क्या हो सकती है भाई, अब भी तेरे समझ में नहीं आएगा भाई साहब, मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरीका है, मुंह दो पानी पी, क्या चाय पी, क्या और वापस देख, इतना इलाज है भाई, कोई रास्ता नहीं है, आगे चल। क्वेश्चन नंबर 5, ये है दोस्तों मौसम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये शुरू हो गया, इसको आपको थोड़ा पढ़ देते हैं पहले, आ जाओ पेज खाली कर बेटा। देखो पुत्रो, इसकी बात मैं किशोर दोनों मिलकर आपको शानदार सिखा देते हैं, इसको ओपन देखो। किसी पार्टिकल को ऐसे माना कि यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंका, तो देखो दोस्तों थीटा जीरो होता है तब तो पथ होगा हॉरिजॉन्टल, थीटा 90 है तो पथ होगा वर्टिकल, थीटा ना जीरो है ना 90 है तो पथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, परवल पथ, क्लियर। ये ध्यान सुनो भैया, ये तेरे सामने क्वेश्चन है कि सब कुछ इसी पे आना है, यू वेलोसिटी इनिशियल है, थीटा एंगल से इसको फेंका, मैं कलर चेंज करके इसके यदि कंपोनेंट आपके लिए चेंज कर दूं तो ये इसका क्या है, यू अक्ष, तो तुम जानते हो क्या बनेगा, यू कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा माय डियर सन, यू वाई, ये क्या बनेगा, यू साइन थीटा, जानते ना ये यू है, देखो देखो ये थीटा का एक क्या होता है कंपोनेंट, यू कोस थीटा, ये क्या होता है, यू साइन, जानते हो इतना, तो नहीं जानते हो साइड में समझा दूं कि आर कोई कोई डेटा है, ये एंगल थीटा है, इसका ये कंपोनेंट आर एक्स जुड़ गया क्या, आर कोस थीटा होता है, और इसका ये जो कंपोनेंट होता है आर वाई वो आर साइन थीटा होता है, जानते हो, समझाने के लिए दे दिया आपको मैंने। तो बहुत पहली चीज है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल से किसी कण को फेंका तो पथ क्या आएगा, पैराबोलिक, इज इट राइट, जिसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। ये कौन है, U cos थीटा, ये कौन है, U sin थीटा, जैसे तुमने पत्थर छोड़ा किसमें जा रहा है, जी में, कहने की बात ही नहीं। अब आप एक बात देखो दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत प्यारा प्रश्न बन गया, जी क्या है, नीचे की ओर, UX क्या है, इस तरफ है, UY क्या है, इस तरफ है, यहां गौर करना, UX और G के बीच तो एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल का कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तुम जानते हो FD cos थीटा, जानते हो ना, तो दोस्तों थीटा जब 90 हो गया तो यहां W 0 हो गया, एक तरीका समझाना है मेरा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, मोटी भाषा में कहूं कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, तो कोई खर्च नहीं होगा। तो UX आज की क्लास का सबसे सुंदर चीज, पूरी गति के दौरान क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, आज का पहला पॉइंट। पैराबोलिक मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षितिज घटक पूरी गति के दौरान नियत रहता है, क्यों, जी किधर है, नीचे की ओर, ये दोनों क्या है 90 पे, कोस 90 क्या होता है जीरो, और यूआई के दोस्तों जी हमेशा विपरीत है, यूआई को ऊपर के डेटा को प्लस लिया है तो इसमें जी हमेशा क्या लेंगे अपने, माइनस, और ये हर पल घटता है। तो दोस्तों आपने यहां से छोटी सी बात, यस बीच में बोलनी पड़ी मेरे को, हाँ हाँ, जैसे अपन ये करें कि यूएक्स कॉन्स्टेंट है, हाँ, और ये नीट का बहुत प्यारा प्रश्न है, सही, अब ओ राशि कौन सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो सकती है, अब उसकी बात कर लें जी, एक तो इसमें यू एक्स कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल सही, एक समय का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कॉन्स्टेंट है, एक मिनट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पी एक्स बराबर एम एक्स यू एक्स, ये भी कंपोनेंट, थैंक यू, हाँ। तीसरी बात एक और है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल सही है, तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, और जी कॉन्स्टेंट है, और जी, चार चीजें, देखो इस गति में जी कॉन्स्टेंट और भार, हाँ, एक भार, वेट, वेट कॉन्स्टेंट, क्या बात, थैंक यू। देखो दोस्तों मोमेंटम का अक्ष कंपोनेंट कॉन्स्टेंट,
वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉन्स्टेंट है, पूरा सिस्टम जी के अंतर्गत है, तो पूरी गति के दौरान त्वरण भी कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, और एक चौथी बात आपने की वेट, बाहर क्यों जी तो बदला नहीं ना, तो वेट कॉन्स्टेंट है। देखो ये होता है, दो साथी खड़े होते हैं तो किसी को कोई बात आती है, किसी कोई बात, जैसे कहते हैं घर में चार पांच लोग होते हैं ना दंगे, तो इसलिए घर में अच्छी अच्छी बातें सब बताते रहते हैं और घर या संस्था या सिस्टम राइज कर जाता है। दोस्तों अब आप देखो, अब आप क्या कह रहे हो, तो यू अक्ष यू कोस थीटा, ये पूरी गति के दौरान कॉन्स्टेंट, बाकी दोस्तों तो जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा ऐसे इसका यू वाई घटता जाएगा, और ये दोस्तों वो बिंदु है जिसको अपना हाइट कहते हैं, यहां अच्छी तरह याद करो, यहां दोस्तों यू वाई क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, बस। पीक पॉइंट होता ही वो है जिसके बाद वस्तु नीचे आना स्टार्ट हो जाए, यानी पीक पॉइंट का मतलब ये है जहां वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए, जहां वेग का ऊर्ध्व घटक जीरो हो जाए, तो ये वो बिंदु है जहां केवल क्या बचेगा दोस्तों, यू अक्ष बचेगा, फिर दोस्तों वापस से गिरना स्टार्ट होती है, और यहां जब आएगी तो जो कंपोनेंट यहां है दांदना सेम वो रहेंगे, बस एक फर्क पड़ेगा, रहे क्या फर्क पड़ेगा, आई तो अब भी आई रहेगा, इधर जो दोस्तों जे प्लस था इधर वो जे क्या हो जाएगा, माइनस चीज पे बस ए यू जाके ऐसे आ जाएगी, तो आई तो पहले भी वही था, पर जो जे ऊपर की तरफ था वो जे नीचे, सिंपल बात कह दूं, सपोज करो यहां ये 3i+4j हो तो दोस्तों यहां ये 3i-4j, बोलो कृष्ण सर बोल दो, ये है चीज काम किया, ये लिख के मजा आया था, यदि यहां सपोज करो यदि यू इक्वल टू 3i+4j है तो यहां दो इसका जो वी बन गया एक तरह से वो 3i-4j बन गया, उल्टा पूछ सकते हैं बस, उल्टा पूछ सकते हैं कि बात है, यहां देखे यहां पूछ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कूलो के बैठ जा, एक पार्टिकल लिया थीटा एंगल पे फेंका, ऐसे पूरा पथ तय किया, ये पैराबोला क्यों बना, इसका भी इक्वेशन आएगा अभी, पहले बात यू कोस थीटा यू साइन थीटा, यू कोस थीटा यू साइन थीटा डिफाइन कर दिया, यू कोस थीटा पूरे पूरे मोशन में क्या रहेगा सेम, जिसको यू एक्स कहेंगे, UI हर जगह बदलेगा, और इस पैराबोलिक पथ का पीक पॉइंट यू है जिसके ऊपर ऊर्ध्व घटक जीरो हो जाए, वापस गेंद गिरना स्टार्ट होती है, बोलो हाँ या ना, और 3i+4j यहां है इस जगह, तो डियर इस जगह क्या होगा 3i-4j हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब अगली बात आती है, मिटा दो इसको, तो वापस लिखना पड़ेगा, किस पथ का नाम पैराबोलिक क्यों है, पैराबोलिक क्यों है, तो आ जाओ तो फिर बनाओ पाथ, ये पाथ बनाया दोस्तों, फिर वो वापस बनाया, तो समझना बहुत जरूरी है, आगे क्या पढ़ेंगे, तो पढ़े, ये तेरे सामने थीटा है, ये तेरे सामने यू अक्ष है, ये तेरे सामने यू आई है, ठीक है भैया, किसी पर्टिकुलर बिंदु पे यहां ले लो, चलो किसी पर्टिकुलर बिंदु पे, इस बिंदु पे ले लो आप, तो लो ये कितना हो गया मान लो वाई, और ये कितना हो गया आपका अक्ष, ये तो कहोगे, और यहां से आपका टाइम क्या हो गया टी, भाई यहां से ए से इस पी बिंदु तक जाने का टाइम ए से पी टाइम क्या हो गया टी, अक्ष पे कितना चला अक्ष, वाई पे कितना चला वाई, आयो तुम खुद कह रहे हो वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, अरे वेग यू कोस थीटा मल्टीप्लाई टी पोल किशोर, हाँ आना बिल्कुल भाई, अक्ष अक्ष पे तो त्वरण है ही नहीं ना, एक्स एक्स पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन नहीं है, और जब त्वरण होता ही नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटा समय, और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो दोस्तों यहां से टी का एक नया फंडा आ गया, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, कहां से कहां ए से टी तक जाने का टाइम, अब भैया वाई डेटा पे आ, तो वाई पे दोस्तों ऐसे नहीं भाई, वाई पे तो यूं कहना पड़ेगा यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीनों आपस में स्वतंत्र होते हैं, सीधी सी बात है, एक्स अलग है वाई अलग है और जेड अलग है, एक्स पे तीन है वाई पे चार है जेड पे कुछ और है, तो आप एक्स की बात करो तो वाई को दिमाग से निकाल दिया करो, वाई की बात करो एक्स को दिमाग से निकाल दो, आ जा तो तेरे सामने ये y, अब तू खुद बता यू वाई क्या था, बोलना किशोर सर, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी माइनस, अब देखो ए वाई जो क्या है त्वरण किस में गिर रहा है जी में, रेफरेंस देखो ध्यान दो क्लास, आपने रेफरेंस गिर लिया है ऊपर की ओर,
जी किधर है, नीचे की ओर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं आपके लिए इसको माइनस जी लिखूंगा, फिर मैं ऐसे पूरी बात करता हूं आपके लिए, बोलो किशोर सर कर दो माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है डियर। अब मैं ये मेरे काम आएगा आगे, फिर इसको मिटा देता हूं मैं आपको इस बात को समझने के लिए। तो ये मेरा वाई की वैल्यू क्या आई, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके डियर। अब मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को, इसको पूरे को मिटा के आपके लिए मैं इसका पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन निकाल देता हूं, और अभी थोड़ी देर पहले ही आया, वापस लिख लो, y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी क्यों क्या आई थी, टी क्यों क्या आई थी, लो फिर निकाल दूं आपको, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर वेग गुणा समय, तो t आया था ना यार, x अपॉन u cos थीटा, टी को उठाओ दोस्तों यहां से, क्यों, रास्ते समय डिपेंड नहीं करते, सीकर से जयपुर का रास्ता वही रहेगा, समय कुछ भी रोचिए, पथ कभी समय पे डिपेंड नहीं करता, पथ तो पथ है भाई। इसमें भी एक बात हाँ बता दूं अच्छे वाली, हाँ जैसे अपन सिंपल कहते हैं ट्रेजेक्ट्री और प्रोजेक्टाइल, सही है, तो ट्रेजेक्ट्री में कभी टी नहीं आता, टी नहीं आता, हाँ ये पंडा हमारा, जब कहीं भी कुछ क्या बात क्या क्या है, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, व्हाट इज टी, इसका बोलना किशोर सर, एक्स अपॉन यू कॉस, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, बच्चों पूरा करेंगे आपके सामने भाई, शॉर्ट नहीं मारेंगे, जी टी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आगे चलो भैया, अब तू तेरे सामने सामने देख, इस यू से यू कैंसिल आउट कर दे, दिस इज एक्स टेन थीटा, टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों स्पष्ट है, इधर वाई है, इधर एक्स का स्क्वायर है, इसलिए से पथ क्या हो गया, पैराबोलिक, ये इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहलाती है, परवलय पथ का समीकरण कहलाता है। अब मैं एक बात थोड़ी सी रिसोर्ट मारूंगा, ऐसे प्रश्नों में मुझसे वो पूछेगा कि साहब यहां से चल के यहां तक गया, तो यहां से चल के यहां तक गया तो इसकी आर क्या है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है, दो शानदार क्वेश्चन है, वो सीधा लिख दो आपको ले दो भाई, आर क्या है निकालो उसके बाद में, एक बार झूठ पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, आर क्या है और इसके द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई क्या है, तो सुन लो भाई, ऊंचाई का फॉर्मूला तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और आर का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और दोस्तों इसलिए क्या है मैंने, यदि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट मारूं जो मेरे बहुत काम का है, वाई इक्वल टू दोस्तों फॉर्मूला बनता है एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, इसको मैं शॉर्ट करूंगा, अब इतना आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, देखना चाहिए कि टेन थीटा है, इसका टेन भार निकालना है, तो तेरे सीधा कर दूंगा मैं, थोड़ा समझाने के लिए कर दूंगा, इच्छा होगी साइन ऊपर गुणा कर नीचे गुणा कर साइन से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, कर दे बच्चों के यार क्या रस करें, एक्स टेन थीटा देख माइनस साइन अपॉन कोस को बाहर निकाल, क्या बचा टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर को बाहर रख, फिर क्या बचा जी, ठीक है ये दो नीचे है, ये तेरा यू स्क्वायर, ये साइन थीटा कोस थीटा, टू को साथ ले ले, टू साइन थीटा कोस थीटा, तू जानता है टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, हो रहा यू स्क्वायर साइन टू थीटा, दोस्तों ये तेरा नीचे यू स्क्वायर भी था, तो ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा क्या बन गया आर बन गया, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये दोस्तों एक मास्टर फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल मजा आ गया पढ़ा गया यार, डियर ये प्रक्षेप पथ का इक्वेशन है, सुन ले y इक्वल टू एक्स टेन थीटा कोस वन माइनस एक्स अपॉन आर, एक्स क्या है एक्स एक्स का पैरामीटर, y क्या है y का पैरामीटर, थीटा क्या है जिस कोण वस्तु को फेंका गया, r क्या है r ये रहा रेंज प्रास, किस प्रास पे ये आपका हुआ, ओके डियर आ जाओ मिटाओ, अब लगे हाथ ही जब आपने बात छेड़ी दी तो एक बात और कर लेते हैं, प्रास क्या है सारे निकाल फॉर्म निकाल देते हैं, प्रास क्या है हाइट क्या है और उड़न काल क्या है फ्लाइटिंग टाइम क्या है, ये तेरा ओ है ये तेरा ए है ये तेरा बी है, देखो दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं फ्लाइट टाइम, तो जितना टाइम ओ से ए तक जाने में लगेगा उतना टाइम ए से बी तक आने में लगेगा, ओ से ए तक जाने का समय क्या होगा, तो ओ से ए तक जाने का समय क्या होगा, तो तू जानता है एक्स कंपोनेंट तो कॉन्स्टेंट है, तो कौन काम लेंगे वाई कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या आएगा vy इक्वल टू यू वाई प्लस ky t, यस मैं तेरी बात को फॉलो करूंगा
ए वाई एग्जैक्ट ये है, वी वाई क्या हो गया जीरो जीरो, याद है ना, यहां से यहां गए तो y वेलोसिटी का, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो गया जीरो, uy क्या था भैया u sin थीटा, दिस इज माइनस gt, तो t इक्वल टू u sin थीटा by g। बच्चे यहां से यहां तक जाने का समय है तो जानता हूं वही सब आगे लगेगा, तो उसको मैं 2t कह सकता हूं, तो कैपिटल t इक्वल टू 2t और 2t बिकेम्स 2u sin थीटा by g, दिस इज फ्लाइट टाइम, बोलो हाँ या ना, यस यस, बोलो 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 भाई। और एक बात और सुन यार, व्हाट इज यू साइन थीटा, यू वाई, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो बच्चों, मैं लिख दूं टी इक्वल टू टू यू वाई अपॉन जी, और एक बात और लिख दूं यार, तुम कहते किशोर पुत्र यू वाई अपॉन, इसको अपन एजी भी कहते हैं, सॉरी ए वाई, ए वाई नॉट एजी, सॉरी ए वाई, एक ही बात है, अरे जी को चाहे ए वाई कहो, जो सारा फंडा किस पे है, जी पर है, जी किस पर है परपेंडिकुलर है, वाई किस पे है परपेंडिकुलर है, तो ए वाई कह दो, ये दो, तो इसका एक फॉर्मूला बन गया टू यू वाई बट अपॉन ए वाई। अब इस फॉर्मूले को है ना, इसको अपन इतना एक्सटेंड कर सकते हैं कोई मतलब नहीं, सही बात है, चाहो तो अपन लिफ्ट मान लो एक्सीलरेट हो रही हो, सही है, जब क्वेश्चन अपन करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, सही बात है, इसको लगा दो कहीं, लेकिन वो मेडिकल मेथड क्वेश्चन का बात है, बाय द वे इसको तो इसी को अप्लाई कर देंगे, दूर तो नहीं पड़ती है नई चीज बनाने की, ठीक है, बोल लेंगे बस इसको अप्लाई कर सकते हो आप, ये कौन हो गया पुत्र अपना, फ्लाइट टाइम हो गया। एक बार फिर आगे चलो, थोड़ा सा हमें मेहनत तो करनी पड़ रही है बट करेंगे मेहनत आपके लिए भाई, आ जाओ। अब आप दोस्तों इसकी हाइट निकालो कि किस हाइट तक गया, किस हाइट तक गया, तो यहां से चला कलर चेंज कर लो तेरे लिए और यहां गए, यहां से चल के यहां गया, एक बार सुनना, इसके किसी भी कैलकुलेशन में 36 कंपोनेंट काम है नहीं आएगा, आ जाओ जी, तो तू खुद कहता है h इक्वल टू क्या होगा, एच वाई क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई जी टी, और एक बिल्कुल ये मेरे जी क्या पड़ी हुई है, आज तेरी बात को मानूंगा, ए वाई टी स्क्वायर। अब एच वाई को अपन क्या बोल दे, कैपिटल एच बोल देते, ओके डियर, यस, क्या बोलते हैं उसको अपन, कैपिटल एच। अब इसमें दोस्तों टी वगैरह की वैल्यू का आपका फिर चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं, चक्कर देंगे भैया, तो यू वाई क्या है बोलना, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब डियर इसमें वापस देखो, अब ये बिना मतलब आपका लंबा हो गया, कैसे लंबा हो गया, अपना फातुर क्या मेरा, टी निकालो ये निकालो, तो अपन इसको अप्लाई नहीं करेंगे यहां, क्योंकि एक्चुअली मुझे फॉर्मूला याद रखा आपको, हम फॉर्मूला काम लेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस एस, बार बार एक बात कह रहा हूं, हमें क्लास सूट कर रहे हैं, उन चीजों को हम एडिट करके मिटा सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के बोलते हैं ताकि बच्चे को लगे कि आया कैसे, टी वाला क्यों नहीं लगाया मैंने, फिर टी का मान फूट करो, तो दोस्तों वी स्क्वायर क्या हो गया, ये वी वाई, ये वी वाई, वी वाई क्या हो गया जीरो, भाई यहां से यहां चला तो वाई कंपोनेंट क्या होगा अंतिम जीरो, यू वाई क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच, तो व्हाट इज एच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, इसकी बात आपको पढ़ा चुका पहले मैं, बोलो है ना, तो फ्लाइट टाइम आ गया, हाइट आ गई। अब दोस्तों प्रास निकाले, देखो प्रास यहां से यहां तक प्रास, यहां कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा वेग, कौन सा वेग, ux मल्टीप्लाई टी, ओके बोला है ना, यहां से यहां तक का वेलोसिटी क्या है ux, यहां से यहां तक टाइम क्या है टी, तो उसको कहने के लिए अपन कैपिटल डी लिख देते हैं, आ जा व्हाट इज ux, u cos थीटा, टी क्या था रे टू यू साइन थीटा अपॉन क्या था जी, देखो बच्चों यू यू को बाहर निकालो क्या बनेगा यू स्क्वायर, और ये टू साइन थीटा कोस क्या बनता है साइन टू थीटा बाई जी, लो जी हमने आपको सारे फॉर्मूले निकाल के बता दिए टॉपिक को शुरू करने से पहले, सबसे पहले निकाला हमने पैराबोलिक पथ का इक्वेशन, फिर निकाली फ्लाइट टाइम, फिर निकाली हाइट, फिर निकाली रेंज, रेंज, ओके डियर। अब आगे चलते हैं भाई, अब क्वेश्चन आ जा भैया वापस लड़के, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये कहता इक्वेशन है 16 x माइनस 5 x स्क्वायर वाई 4, तो कहता है इसकी प्रास क्या होगी, ये पूछा यस, चलो भैया तो इसकी प्रास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, किस तरह स्टेप अप्लाई करेंगे, इसमें वापस उसी के कंपेयर करेंगे,
अध्यांचों क्लास का अपन इसके कंपेयर करेंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन को सोल्व करना, बस ध्यान दे क्लास में इक्वेशन की सहायता से इक्वेशन को सोल्व करना। तो एक काम करें आप इसमें क्या भार निकालें, 16 अक्ष ले लेते हैं, आप इसमें 16 अक्ष भार ले लो तो ये 1 - 5 x / 64 और मैं अब बहुत सुंदर सा बड़ा सुंदर सा वाई इक्वल टू क्या है अक्ष टेन थीटा 1 - x / r मेरे साथ हो गया। कंपेयर इसको बोलते हैं समीकरण की सहायता से समीकरण को सोल्व करना, इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय इक्वेशन। देखो 16 अक्ष इक्वल टू अक्ष टेन थीटा, अक्ष एक्स काट दे, टेन थीटा की वैल्यू 16 है तो थीटा की वैल्यू तो है टेन इनवर्स 16। अब इसकी तुलना इससे कर, एक की तुलना एक से होगी और मेरी क्लास का सबसे सुंदर करने जा रहा हूं मैं दोस्तों एक्स अपॉन आर की कंपैरिजन करो, 5 x / 64 एक्स से एक्स काट दे, आर को इधर ले जा, 64/5 64/5 का भाग दे दे, आर इक्वल टू 64/5 तो दोस्तों भाग एक बार गया एक बचा 14, भाग दो बार गया 4 बचा 0 8 आंसर आ गया 12.8। बोलो बोलो ये है, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ा चुका, इसलिए दोस्तों ये चीज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो। बोलो हाँ या ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन की सहायता से इक्वेशन का सॉल्यूशन और इसी का नाम प्रैक्टिस है। अब एक बच्चे को ये इक्वेशन आती नहीं है फिर वो कहता मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो भाई फिजिक्स नहीं तेरे को याद कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं की भाई, भाई अब डॉक्टर बनना याद तो करने पड़ेंगे ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं ना, आपको करनी पड़ेगी। चलो आगे नेक्स्ट देखो, सेक्शन टी पे अक्ष का मान ये है, वाई का मान ये है, टी पर कण का वेग, फिर वही बात आ जाओ एक्स इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, एक मिनट मैं नीचे लिख लू, एक्स इक्वल टू अल्फा टी क्यूब और वाई इक्वल टू बीटा टी क्यूब, पेज खाली कर ले भैया आ जाओ, फिर लिख लो तेरे लिए, एक्स इक्वल टू अल्फा टी क्यूब वाई इक्वल टू बीटा टी क्यूब, ए आ जा। देख दोस्त इसका एक बार अवकलन कर, dx by dt किशोर सर क्या बना, dx क्या बनेगा 3dc आएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और इसको दोस्तों dy by dt करो तो ये तेरा क्या बनेगा vy, ये बनेगा 3 बीटा t स्क्वायर। क्वेश्चन माना बेटा एक मिनट, अगला क्या पूछता है क्वेश्चन माना पीछे बेटा क्वेश्चन, तो t पे कण का वेग वापस आ जा, वेग पूछा है तो तू जानता वेग क्या होगा Vx i cap + Vy j cap, तो तेरे सामने सामने क्या बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर i cap प्लस 3 बीटा t स्क्वायर j cap। क्वेश्चन दिखा रहा बेटा आंसर ऐसे दिया क्या, आंसर ऐसे नहीं दिया, आंसर परिमाण में दिया है, तो ये परिमाण निकाल दे खाली कर पेज वापस, तो तेरे सामने सामने 3 देख ऐसे पूरा फिर पूरा कर दो, इसका स्क्वायर कर 9 अल्फा स्क्वायर T4 9 बीटा स्क्वायर T4, तो देख 9 T4 को बाहर निकाल, तो 9 T4 बाहर निकाल तो बाहर क्या आएगा 3 C स्क्वायर, कोस्ट क्या बचेगा रे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देख ले आंसर क्यों आ जाए बेटा 3 T स्क्वायर ये बीटा खाली कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे मजा गुरु नीति के 180 वीडियो देख लेना, विश्वास दिला सकता हूं नीट 21 बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, सीएलसी की क्लास के साथ, सीएलसी की टीएस के साथ, पूर्णतः सीएलसी के साथ जुड़ के देख लो गुरु नीति ना भाई, देश में आप कहीं भी देख रहे हो मैं तो कहता हूं सीकर सीएलसी आ जाओ, आप आ जाओ हमारी उंगली पकड़ो, एक अच्छा वर्क संस्था कर रही है 21 के लिए। ये दोस्तों कोरोना लॉकडाउन इस बार डिस्टर्बेंस रहेगा, ऐसी कंडीशन में आपको उसी संस्था को पकड़ना चाहिए जो कंप्लीट केयर कर सके अपने खुद के हॉस्टल के साथ, खुले से वातावरण के साथ, ठीक है डियर, ओके थैंक यू, आगे चलो आ जा भैया। ये दोस्तों याद रखना चिन्ह डिग्री होता है, इसे देखा जाए तो हाँ ये याद रखना पड़ता भाई, वह एंगल जिस पे रेंज और हाइट बराबर हो,
पहली बात याद कर ले भैया ये एंगल होता 76 डिग्री, तो फिर भी कर देते कैसे आ जा आर क्या होता है कर दे बच्चों तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी एच इक्वल टू क्या होता है किशोर सर बोलना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तू बार बार आर और एच के फॉर्मूले को हाथ से लिखेगा ना तो याद हो जाएंगे ओके डियर अब अगला क्या बराबर है दोनों कलर चेंज कर ले अपने क्या दिक्कत है ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा नोट कर दे 2 साइन थीटा जानते हो ना साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या है किशोर पुत्र जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g u स्क्वायर काटो साइन से साइन काटो जी से जी काटो इस साइन को नीचे ले जाओ तो तेरे सामने सामने tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया तो ये ऐसे बोल दो पूरी बात कर दे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 कह दे या बेटा याद कर ले ये एंगल होता है अब आपको सब कितने याद करेंगे अरे कितने याद नहीं करने एक याद कर ले कि 76 डिग्री वो एंगल होता है कि किसी वस्तु को आप 76 पे भेजोगे 76 पे तो जो हाइट प्रास है वो इसकी हाइट होगी आगे चलो बड़ा मस्त क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट अगला साहब कहता है साहब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी पैराबोला पर गति करती हुई आ गई ये तो है yes. वो कहता है अच्छा अच्छा मतलब कांस्टेंट कौन कौन है गतिज ऊर्जा ना गेंद की चाल नहीं ना वेग का ऊर्ध्व घटक ना गेंद का छिद्र घटक है हाँ पढ़ा दिया कोई दिक्कत ही नहीं है थैंक यू आगे चलो ये मेरा क्लियर प्रश्न है भाई मजा आ गया वो कहता है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स क्या हो ध्यान सुनो बच्चों ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं यहां देखो यहां वो कहता है यहां ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी अगला साफ कहता है यहां इसकी कुल एनर्जी कितनी है भैया ई है ठीक है डियर एनर्जी कितनी है ई है और यहां इसकी एनर्जी कितनी होगी ये आपको निकाल ओके डियर कोई दिक्कत नहीं है अब हाँ काइनेटिक हाँ वो काइनेटिक कोई काइनेटिक बात क्या है काइनेटिक हाईएस्ट पॉइंट पे क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी तो दोस्तों वो जो ई है वो क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर अब एक बात हाँ सुना क्लास हाफ एम वी स्क्वायर यहां केवल क्या आएगा रे यू वाई का होल स्क्वायर क्योंकि यू एक्स तो यहां पर है जीरो हो जाएगा उल्टा कर देना बने हाँ यहां पूछिए अगले काइनेटिक एनर्जी पूछिए ओ सॉरी उल्टा कर दिया उल्टा लिख दिया बिल्कुल बोल सही रहे उल्टा लिख दिया तो ई इक्वल टू हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर हाँ बोल सही रहे थे यू वाई तो क्या हो गया जीरो कौन बचा यू एक्स आजा तेरे सामने सामने है ये तेरा कौन है हाफ एम व्हाट इज यू एक्स यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हाफ एम यू स्क्वायर क्या है इनिशियल क्या है इनिशियल एनर्जी तो फाइनल पेज को तो दोस्तों इनिशियल ये ई फाइनल व्हाट इज हाफ एम दिस इज ई इनिशियल मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा कितना 45 कोस बदल क्या होता है 1/√2 कर दो तो दोस्तों ई फाइनल इक्वल टू बिकम्स ई बाई 2 आंसर निकालना बेटा जी ई बाई 2 ये क्लास का श्रेष्ठ क्वेश्चन है फिर सुन लो एक बार यहां इसकी वेलोसिटी क्या होती है यू और यहां केवल क्या बच गई रहे यू अक्ष क्या बच गई रहे यू कोस थीटा बता दे तो हाफ एम यू एक्स स्क्वायर हाफ एम यू एक्स स्क्वायर यू एक्स क्या है यू कोस थीटा तो हाफ एम स्क्वायर तो क्या है इनिशियल अगला साफ कहता है वो कितनी है ई है कोस स्क्वायर थीटा थीटा कितना है 45 और ये जब जब एग्जाम में आया है ना भाई ये 45 पे आया है उसका आंसर ये भाई और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है ओके चलो आगे यस सर आगे चलो इस क्वेश्चन में वैसे अपने को टॉप पर काइनेटिक पोटेंशियल सब कुछ पूछ सकता है हां जैसे आपने यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका सर थीटा एंगल पे हां तो जो टॉप पॉइंट होता है ना ये हां जी इस टॉप पॉइंट पे कितनी तो इसमें है काइनेटिक एनर्जी सही है टॉप केटी टॉप और कितनी इसकी है पोटेंशियल एनर्जी टॉप ठीक है इनका अपने कई बार रेशियो पूछ लेता है ठीक है इनके खुद के इंडिविजुअल मान पूछ सकता है ठीक है तो अगर पूरा अपन कन्वर्ट करते हैं ठीक है कन्वर्ट करने के पश्चात उसके फॉर्मूले बनते हैं ठीक है तो मैं सीधा उसी पे आ रहा हूं कि टाइम अपने पास बहुत पेज खाली करना जैसे के टी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था
बिल्कुल वाले पर आपने फॉर्मूला बना था, आपने इसको चेंज किया था, तो इनिशियल थी ना, हाँ मैं उसी स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ तो मैं मान रहा हूँ के नॉट, ठीक है वो थी आपने जो यहाँ से फेंका ना वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और साथ में उसका जो फॉर्मूला रहा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो काइनेटिक में कोस, ठीक है समझ गया मैं किस पॉइंट वाला तो। हाँ अब इसमें अगर पोटेंशियल आपको निकालनी है ठीक है तो वो है तो के नॉट इनटू जस्ट साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, और इसको परमानेंटली याद कर लो, कोई इसमें इश्यू नहीं है, काइनेटिक आपको निकालनी है कोस, पोटेंशियल आपका साइन, साइन रेशियो निकालना है, के नॉट से के नॉट कैंसिल, आपका हो गया cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ये होता है, इसलिए दो साथी खड़े होते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ठीक होता है बात का मजा आता है, बात नहीं पड़ेगी, तो पोटेंशियल क्या होगी आपकी के नॉट sin स्क्वायर थीटा, ओके रेशियो भी आराम से ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू मजा आ रहा बात का, आगे चलो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है अपना, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप डायग्राम बनाए, एक कलर चेंज कर ले, सबसे पहले आप डायग्राम बनाए, सारा खेल सिर्फ डायग्राम का ही है। देख मेरे को तो मजाक का फसल लगता है, बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं और पेन चलाते नहीं, फिर कहते फिजिक्स नहीं आती। अगला कहता है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू मेकिंग एन एंगल टू थीटा, ये देख ऐसे मान यू और एंगल क्या है टू थीटा, अब वो नो डाउट ऐसे चलेगा तो एंगल तो घटेगा ना ऐसे, वो कहता है घटते घटते किसी इस बिंदु पे, चलो ऐसे बना लो बेस, किसी इस बिंदु पे आपका एंगल क्या हो गया थीटा, थीटा बस, और वेग क्या हो गया यहां पर वी, अब वो कहता है ये भी बताओ, ये पूछ रहा है सीधी सी बात है, तो ये तेरा अक्ष ये तेरा वाई ये टू थीटा ये थीटा, इतनी बात तो करना चाहता अपने से। यस, लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं कुछ भी हो जाए दोस्तों यू अक्ष बराबर इक्वल टू वी अक्ष, बोलो हाँ या ना, शुरू से अपन ये बात बताएं, कुछ भी कर लो यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ के हॉरिजॉन्टल के बराबर होगा भाई, बोलो हाँ या ना, बस अब पेज खाली कर ले, तो यू अक्ष क्या होता है, यू अक्ष होगा यू कोस टू थीटा, कोस टू थीटा क्यों लिया टू थीटा, क्यों शुरू का टू थीटा इक्वल टू यहां पर क्या होगा वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, कोस थीटा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहां U था तो वहां पढ़ के B हो जाएगा, बस अब अपन इसको खाली कर देते हैं एक बार। अब दोस्तों हमें केवल इसके आंसर को मिलाना है, इसलिए आगे गुणा भाग करनी पड़ेगी, तो भैया निकालना क्या है V, तो V क्या है U cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा। यहां मैं एक बात थोड़ा किशोर बच्चों कर देता हूं समझने के लिए, देखो भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू भी cos 2 थीटा, से लिखा पुत्र। ये दोस्तों चार फॉर्मूले, मुझे पता आप पढ़ते हैं, फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है टीचर पढ़ा दिया, आ जा v इक्वल टू u cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा क्या बना, सही है सही दिखा मैंने, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर सॉरी माइनस इक्वल टू cos 2 थीटा, यस यस सर, थैंक यू, ये फिर पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू cos 2 थीटा, ओके डियर। अब देखो u cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा तेरे सामने ये रहा, cos 2 थीटा तेरा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा cos थीटा। अब देखिए v, ये u तो बाहर निकाल इसके अंदर ले ले 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, आंसर निकालना भैया, ये बन गया दोस्त u तो बाहर है, एक cos एक cos कटा क्या बचा 2 cos थीटा, 1 cos थीटा क्या होता है sec थीटा, बता दिया एक ये बता दिया, ये रहा आंसर आ गया u 2 cos थीटा। बट इसमें इंपॉर्टेंट कोण है कि कुछ भी हो जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, वही काम लिया हमने, ओके थैंक यू, आगे चलो पुत्र। हाँ डियर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो कहते हैं पार्टिकल है ए बी सी, कोई आदमी मीनार पे खड़ा है, ऐसे है ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक बंदा देखो मीनार पे खड़ा है, वो किस कहता है कि ए को ऊपर की ओर फेंका नीचे आया कोई दिक्कत नहीं है, बी को नीचे की ओर फेंका सीधा नीचे की ओर फेंक दिया, सी को ऐसे फेंका, दोस्तों कुछ भी हो जाओ चाहिए, बंदा कहां खड़ा है एच पे, एच पे खड़ा है ना, तो यहां टोटल एनर्जी
टोटल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जोड़ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो सब का फिक्स है। इसलिए दोस्तों तीनों ही बॉडी समान दृष्टि से पृथ्वी पर आके टकराएंगे। मेरा एक लॉजिक सिंपल सा है कि डिपेंड किस पे करता है, हाइट पे करता है, और हाइट तीनों एक छत पे खड़ा है तो ऊपर फेंको नीचे फेंको किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज अलग अलग टीचर अलग अलग काम दे सकता है समझने के लिए। आगे चले तो किशोर, अपन अब तक जो क्वेश्चन किए ना उनका सबसे पहला क्वेश्चन है भाई प्रबलय पथ पे, ये क्वेश्चन बेस्ट है। यदि तेरे बेटा पल्ले पड़ गया तो मान के चित्र प्रबलय पथ की गति आ गई, देख इसका भाव क्या, सुन। ये कहता है एट ए हाइट ऑफ 5.4 मीटर ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वेक्टर फॉर्म इज दिस 6i + 2j, एक्सेसिव करने की बात है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है भैया, खाली करने पेज। दोस्तों अपने जानते हैं कि ये प्रबलय पथ है, बार बार एक डायग्राम बनेगा, एक बॉडी को यहां से फेंका और यहां गई, ये बच्चे यहां इसको फेंका अपन ने यू से, किस एंगल पे, थीटा पे, हमें नहीं पता है जो निकालना है, लेकिन हमें एक चीज दे दी कि किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसका वी हो गया, yes. वो क्या हो गया, 6i + 2j, तो ये कहता इन डेटाओं की सहायता से आपको थीटा निकालना है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब तू एक बात जानता है, ये तेरा वी है ना, तो दिस इज वी, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे Vx i cap + Vy j cap, यानी इसको अपन ऐसे कह सकते हैं 6i cap 2j cap, लेकिन मैं एक बात जानता हूं Vx = Ux, बस। अब यहां आ जा, और यहां इसका जो u है वो क्या है, Ux i cap और Uy j cap। अब लड़के बच्चे Ux तो क्या है, 6i cap है, बट मेरे को Uy का पता नहीं है भाई। Uy कौन है, y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी। आ जा लड़के, Vy = Uy + Ayt, किशोर से बात करूंगा, अपने को हाइट के रूप में है ना। हाँ, अच्छा हाइट, अच्छा अब ये काम नहीं आया क्योंकि अगर हाइट दी है तो ये इसको बिठा दिया, तो हाइट दी है तो क्या कहेंगे, V y square + 2 ay + h y, ये बेस्ट, ठीक है भाई। यहां से चला यहां गया, ये कितना है अगला कुछ 0.4 मीटर में निकला, इसलिए मेरा फॉर्म करूं क्या पहले, तो मेरे पास यहां से यहां की जो y गति है, यहां से यहां की अक्ष में कोई चेंज नहीं है, y जो मोशन है मेरे पास उसका uy है, मेरे पास तो uy मुझे निकालना है, मेरे पास vy है, मेरे पास h है, तो देख लड़के मुझे vy तो है मेरे पास कितना, ये रहा 2 है ना, vy मेरे पास है, vy मेरे पास क्या है 2, तो ये तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, uy मेरे पास नहीं है मुझे निकालना है। अब मैं माइनस का चिन्ह लगा लूं पहले से यहां, क्यों, ay रिप्लेस किससे होगा, g से, ay किससे रिप्लेस होगा, g से, 10, hy कितना है 0.4, तो तेरे सामने सामने 4 = uy² - 8, तो तेरे सामने uy² = 12 होता है, तो दोस्तों ये uy हो गया 2√3, अरे कैसे हो गया, 2 को अंदर 4, 4 = 12, तो uy का मान क्या आ गया 2√3, बस वापस सुना दे बेटा, तो वापस क्वेश्चन आते हैं, तो अब एक बार इसको मैं खाली कर देता हूं, तो दोस्तों आपके सामने सामने u जो है वो है uxi cap Uy j cap, तो u अक्ष कितना है, 6i cap, uy कितना है 2√3 j cap, और दोस्तों जब भी आप कहीं टेंथ निकालते हो तो आप जानते हो y का कंपोनेंट अपॉन अक्ष का कंपोनेंट, व्हाट इज y कंपोनेंट, 2√3/6, आ जाए इसको काट दे तो √3/3 क्या बचेगा 1√3, तो tan थीटा 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री, तो दोस्तों इस गेंद को 30 डिग्री के कोण से फेंका गया है। ये क्वेश्चन भाई एक बार हाथ से फिर निकाल ले, मैं दावे से कह सकता हूं प्रक्षेपी गति में तुम कहीं मात नहीं खाएगा। ओके थैंक यू, आ जा भैया क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, आगे चलो 12 तो हो गया बेटा, 13 पे आओ। दो गोलियां एक साथ
क्षितिज से एक स्थान से अलग अलग चाल से दागी जाती हैं, तो कौन सी गोली धरातल पे पहले टकराएगी? तो बुलेट्स आर फिक्स्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड विद द सेम प्लेस, व्हिच बुलेट? पता है क्या होगा भाई इसका, अधिक चाल वाली, कम चाल वाली, दोनों एक साथ, या मास पे डिपेंड नहीं करता? मास पे तो डिपेंड वैसे नहीं करना, मास पे डिपेंड कभी नहीं करता। काट दिया, अब इनको फेंका अपन ने कैसा है, हॉरिजॉन्टल फेंका है बिल्कुल। तो अब नीचे इसके पहुंचने में जो टाइम अपन निकालेंगे, तो टाइम जैसे इसका टाइम आपने जो पढ़ा है इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो टी जो होता है वो आप पढ़े हैं 2h/z बिल्कुल, इसका रूट सही है। ये प्रक्षेपण वेग पे डिपेंड नहीं करता, कोई रोल नहीं इसका, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड कर रहा है किस पे, हाइट पे, हाइट दोनों की सेम है तो दोनों एक साथ तो अपन नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि टाइम का सब सेम हो गया, तो दोनों एक साथ ही टकराएंगे, चाल से कोई लड़ा जा रहा, कम चाल से कोई लड़ा नहीं, अधिक चाल से कोई लड़ा नहीं, मास का रोल नहीं, तो आंसर हो गया बोथ विद रीच साइमल्टेनियसली। पर इसमें ये पूछे बोल कि अगर चाल अपन ने अलग अलग उनको दे रखी है तो नीचे आने पर अब दो चीजें हैं, एक तो चाल है साथ साथ और एक है कौन तेज टकराता है, तो दोनों का फिर अपने यहाँ पे लफड़ा पड़ेगा, तो उस केस जिसको अपन अधिक चाल से फेंका ना वो हमेशा अधिक चाल से टकराएगा, टकराएगी एक साथ, एक साथ टकराएगी। ये बड़ी काम की चीज है, ज्यादा ऊर्जा से फेंका है तो ज्यादा ऊर्जा से टकरा जाएगा, लेकिन टकराएगी सेम टाइम पे, स्पीड अलग अलग हो सकती है, कौन सी गोली धरातल पे पहले टकराएगी, टकराएगी दोनों एक साथ है पर स्पीड दोनों की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी के कारण। क्लियर? बस ये बात आपकी होगी। ओके डियर, इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, बिठा दिया, आगे चलोगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो दोस्तों, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड u एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा बीटा फॉर हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द h1 h रेस्पेक्टिवली, r इज द रेंज ऑफ बोथ t1 t2 देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट रेस्पेक्टिवली, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। दोस्तों ये पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा निकालेंगे, इसमें जो पढ़ाया है ना वो सारी रामायण इसमें आ जाएगी। साफ कहता है, दो कण समान बिंदु से समान चाल u से क्षितिज के साथ अल्फा एंगल और बीटा एंगल पे प्रक्षेपित किए जाते हैं, उनके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h1 h2 है, दोनों के लिए प्रास r तथा उनके उड्डयन काल क्रम से t1 t2 है, तो गलत कथन बताओ। देखो डियर, एक बात ध्यान सुन लेना भाई, सबसे पहले कि दोनों के लिए प्रास r है, पहला पॉइंट इस पे आओ, फिर खाली करना भैया। डियर एक बात ध्यान सुनना, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा / g। एक बात बहुत तेज सुनना, एक बॉडी को मैं फेंकू 30 डिग्री पर, एक बॉडी को फेंकू मैं 60 डिग्री पर, बहुत प्रेक्षण है, एक बॉडी को फेंका 30 डिग्री पे, एक को फेंका 60 डिग्री पे, दोनों की दोस्तों h1 h2 अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों की r हमेशा सेम होती है, 60 और 30 का मतलब हो गया 90। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री यदि है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा पे यदि आप दो बॉडी फेंकोगे तो उनकी प्रास रेंज एक आएगी। कैसे? तो खुद देख ले, थीटा का मान 30 फुट कर तो साइन 60 आया, थीटा का मान 60 फुट कर तो साइन 120 आया, साइन 60 और साइन 120 के मान क्या होते हैं? समान होते हैं, बस सीधी सी बात, भले बड़ी बात। अरे तू पुट कर लेना, थीटा पुट कर 30 तो साइन 60 बन गया, थीटा 60 पुट कर तो साइन 120 बन गया, तो साइन 60 और साइन 120 वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, वो दिक्कत है कोई, इसलिए फॉर्मूला बन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे आर क्या हो जाएगी? सेम। या मेरी भाषा में कह दू, एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आ जाए बेटा, पहला अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू पे दोनों की रेंज क्या होगी? समान। इसी के साथ एक तो सही हो गया। अब अगला कहता है भैया, दूसरा आर और एच में संबंध बताओ, तो आर और एच में संबंध बताया अपन ने, तो आजा भैया फिर से थोड़ी समझा, पेज खाली कर। देखो दोस्तों, पहले माना कि आपने एक को फेंका थीटा से और एक को फेंका 90 माइनस थीटा से, तो व्हाट इज h1? h1 है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और h2 क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। देखो बच्चों, मैंने u के पीछे 1 2 की लगाया, क्वेश्चन में आना एक मिनट वापस, क्योंकि साफ कहता है भैया सेम स्पीड से, चाल क्या है? वापस आ जाए बेटा जी, u के पीछे देखो लॉजिक शुरू, u के पीछे 1 2 नहीं आया, अगला कहता समान चाल है, थीटा और 90 माइनस थीटा इस पे प्रांत बराबर है, ये मैं आपको साबित कर चुका। अब दोस्तों आगे चले तो आप देखें,
तो आप देखिए H1 की वैल्यू ये आ गई, H2 की वैल्यू ये आ गई। अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं थीटा के चक्कर आप वैल्यू पुट कर लो 360 यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, एक वैल्यू 30 पुट कर लो, एक वैल्यू 60 पुट कर लो। तो मैं वैल्यू पुट करके दिखा दूं आपको। तो दोस्तों ये कोण है यू स्क्वायर, ये तेरा कोण है साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन क्या है 2g, सॉल्व कर इसको, ये तेरा यू स्क्वायर द बोला जो साइन 30 क्या होता है भाई 1/2, तो कितना हो गया 1/4, 4 मल्टीप्लाई 2g, तो बोल बोल कितना हो गया यार ये बोल किशोर भाई 8g। H2 में आ जा, तो H2 में सीधा फिर कर दूं तेरे लिए मैं U स्क्वायर, ये तेरा कौन है साइन स्क्वायर 90 बोल देना पड़ेगा, भाई यहां 60 कर देना पड़ेगा, सीधा बोल देना पड़ेगा, पता लग गया पड़ेगा 360 पे सेम है, तो 30 पे हो गया, तो साइन 60, साइन 60 क्या होता है रूट 3 बाई, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4, ये तेरा फिर क्या है 2g, ये तेरा कितना आ गया भाई 3u² / 8g। ओके मैं इसको बिठा दूं मैं तेरे लिए। अब आप साफ साफ कह रहे हो कि H1 मल्टीप्लाई H2 क्या है U स्क्वायर अपॉन 8G मल्टीप्लाई 3U स्क्वायर अपॉन 8G, ये लो जी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 3U4 अपॉन 64G स्क्वायर, क्वेश्चन में आना। अब वो कहता है इसका रूट को 4 से गुणा करो, वो R के बराबर है, आ जा वापस आ जा, अब जरा R पे आ जा, तो R तेरा क्या है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जी यस। अब साइन 2 थीटा 30 फुट कर ले एक ही बात है, तो साइन 60 हो गया, साइन 60 क्या होता है रूट 3 बाई 2, इसको मैं ऐसे कह दूं रूट 3 बाई 2 जी U स्क्वायर, ए इसको अपन खाली कर ले पुत्र किशोर, ए इसको खाली कर लिया। अब अपनों प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि R इक्वल टू 4 रूट H1 मल्टीप्लाई H2, तो एक काम कर रूट H1 H2 कर, समझ कर रखा है ना मैंने 3u4/64 G स्क्वायर, तो रूट 3 बाहर आएगा और ये तेरा U स्क्वायर आएगा, ये तेरा 8 आएगा, ये तेरा G आएगा, ये तो करेगा ना रूट 3 हो गया। अब इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर दे 4 से मल्टीप्लाई, कितना बचा 2 बचा, ये तेरा सामान हो गया, क्या दिक्कत है, ये तो r का ये तो रूट h1 h2 आया है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर दें तो किसके बराबर हो गया ये r के बराबर हो गया। काम की चीज एक ही है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज बराबर होती है, यानी थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा एंगल पे किसी पथ को पार्टिकल फेंकोगे तो रेंज बराबर है, h बराबर तो कभी हो नहीं सकती। ओके डियर, तो ये तेरे सामने था, अब वापस क्वेश्चन में आ जा, तो तेरा ये सही हो गया, तेरा ये सही हो गया। अब T1 by T2 tan alpha, चल भैया इस पे भी आ जा, तो T1 निकाल, T1 क्या है कुछ हमारा बेटा, T1 क्या है उड़ेन काल है, तो उड़ेन काल क्या होता है T1 2 u sin 30 upon g, और T2 को अपन क्या कह देंगे 2 u sin 60 upon g, तो कॉमन सेंस की बात है ना, नहीं नहीं तू कह मैं ऐसा नहीं करूंगा साहब, मैं बिठा दू ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा T1 क्या है 2 u sin थीटा अपॉन g, और दूसरा तू जानता है क्या होता है 2 u sin 90 माइनस थीटा, अब तू खुद ही कहा तुमने भैया मन जान भी लिखा है जो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, मैं जब T1 और T2 को डिवाइड करूंगा तो g से g कैसे लाओ 2u से 2u कैसे लाओ, ये तेरा tan थीटा आ गया, अल्फा की बात है एंगल अल्फा ना, एंगल अल्फा अल्फा ये रहा चित्र प्रश्न बोल क्या है अल्फा, और एक का क्या है अल्फा बीटा, वही बात होगी। तो दोस्तों छोटे छोटे को अपन ने अल्फा मान लिया, तो T1 / T2 क्या आ गया tan अल्फा, तो ये अपने आप ही गलती हो गई, पूरा कर दिया भाई आई थिंक मेरे हिसाब से पूरी कहानी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार, थैंक यू, आगे चलो। हाँ हाँ ये अपना पहला क्वेश्चन आ गया, देखो डियर कहता है इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर ए ए आई प्लस बी माइनस सी टी जे वेयर ए बी सी पॉजिटिव कांस्टेंट है द रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी, वो कहता है इतना, तो कण की क्षितिज तल की प्रास बताओ। देख भाई सुन, ये इसका किसी क्षण क्या है वेग है, वेग क्यों भाई ये तो कहोगे, ये इसका किसी क्षण वेग वेग है, तो एक बात सुन बच्चे, ये तेरा मैं एक काम करता हूं यहां नोट कर लेता हूं v इक्वल टू ए आई कैप b माइनस सी टी जे कैप, अब पेज खाली कर दे। अब डियर अपन क्या करते हैं कि इसको अपन ऐसा करते हैं कि v इक्वल टू अपन जानते हैं कि v अक्ष i कैप v
वी वाई जे कैप, ओके डियर। तो वी एक्स आई कैप तो क्या हो गया तेरा ए आई कैप, और ये तेरा जो है वो क्या है बी माइनस सी टी जे कैप। अब देख वी एक्स की तुलना किससे करते, तो वी एक्स बोल चाहे यू एक्स बोल किसके बराबर है ए के बराबर, बस बहुत सुंदर चीज है। वी एक्स बोल चाहे यू एक्स बोल, इसको मैं मिटा देता हूं। अब डियर ये कौन है, ये वी वाई है, पहले चैनल को थोड़ा सा समझने के लिए, ये तेरा वी वाई है, वी वाई तेरा है, तो वी वाई मैं ऐसे निकालता हूं, वी वाई इक्वल टू क्या होता है जरा किशोर बोलना यार, यू वाई प्लस ए वाई ए वाई टी, इसकी तुलना कर दे, ये तेरा वी वाई है, इसकी तुलना इससे करेगा तो दिस इज बी माइनस सी टी, जे कैप यहां भी है, जे कैप वहां भी, तो जे कैप वहां लगा हुआ। अब तेरे सामने सामने दोस्तों क्या आ गया कि इसके भी तू जे कैप लगा दे, इसके भी तू जे कैप लगा दे, तो तेरे सामने सामने है यू वाई क्या आ गया बी, बी, और दोस्तों ए वाई तुरंत क्या आ गया सी माइनस टू यार सी के बाद। इसका अर्थ ये है, हाँ हाँ यार क्या क्वेश्चन है, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ए है, वाई कंपोनेंट बी है, और त्वरण यहां सी है। अब आ जाए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है आर बताओ, वापस आ जा आर बताओ। तो मैं दोस्तों मेरी एक सुंदरतम चीज आपके साथ लेके आ रहा हूं, आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है डियर। अब जरा ध्यान दे क्लास, आर इक्वल टू आप एक काम करो, ये तेरा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है, तो जो मेरा साइन टू थीटा होता है ना वो होता है टू साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। मैं मेरी क्लास की श्रेष्ठतम बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देख लड़के आर, दो को बाहर निकाल, बाहर निकाले, एक स्टेप है यू साइन थीटा, एक स्टेप है यू कोस थीटा, यू स्क्वायर है ना, अपॉन क्या है डियर जी, आज बड़ा मजा आया। दो u sin थीटा क्या होता है uy, uy, uy कितना बोल रहा भाई b, u cos थीटा क्या होता है ux, क्या है a, g क्या है c, तो फॉर्मूला हो गया 2ab upon c, थैंक यू आंसर का ये रहा, a मिटाऊं इसको मैं 2ab upon c, आया मजा बात का, एक बार रुक यार, रिवर्स कर, समझ, देख फिर आगे चल, स्पष्ट है ये दोस्तों v है, देखो साहब किसी क्षण है, इनिशियल नहीं है, किसी क्षण है, तो ये किसी क्षण का मतलब यहां कहीं है, यहां नहीं है, तो यहां यहां का देखो, यहां यू एक्स होता है यू वाई होता है, यहां फिर वी एक्स होगा वी वाई होगा, बट वी एक्स यू एक्स बराबर होते हैं, ये चेंज हो जाता है, बिल्कुल बोलो बोलो यार, हो रहा फुटबॉल हो रहा भाई मेरे लिए, तो यार आगे चल आगे चल पुत्र, वो आ गया भैया। गैलीलियो के नियम के अनुसार किसी पिंड को 45 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा प्रक्षेपित किया जाए तो इसके द्वारा तय की गई क्षितिज प्राप्त करते हैं, बात एक विभाग से एक वरिष्ठ हो गई, वो आ गया 90, जब थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा के कोई भी गेंद को फेंकोगे डियर तो दोनों की रेंज क्या आएगी, इक्वल आएगी, इसको अपन पीछे वाले क्वेश्चन जोड़े ना, हां जैसे ये अल्फा सम क्या हो गया 90, तो रेंज ओनली रेंज रेंज। आगे चल क्वेश्चन नंबर 17, देखो दोस्तों देखने में क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन मेरी जहां क्लास स्टार्ट हुई थी ना वो क्लास आपको याद हो, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, तो इससे आसान क्वेश्चन दिए गए। अब ये फॉर्मूला तेरे को याद नहीं है फिर भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैंने तेरे को बाकायदा पूरा किया डेरिवेशन, याद क्या कराया y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, y क्या है y एक्स पे, x है x एक्स पे, r है रेंज, थीटा है प्रक्षेप पे, सीधी सी बात है, ओके इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन का मतलब डायग्राम दे, वो डायग्राम के बिना कुछ नहीं होता फिजिक्स भैया, ये ऐसा क्वेश्चन है, एक गेंद को फेंका, गेंद यहां गई, अगला साफ कहता है 6 मीटर की दूरी पे 3 मीटर ऊंची दीवार है, जब थोड़ा कलर चेंज कर ले तेरे लिए भाई समझने के लिए, ये दूरी है तेरी 6 मीटर और 6 मीटर की दूरी पे 3 मीटर की दीवार है, इसको पार करने के बाद ये 18 मीटर जाके टकराता है, तो देख दोस्त अक्ष तो यहां 6 है, वाई यहां 3 है और आर यहां 24 है, 24 सी बात है, अक्ष यहां 6 है
y यहां 3 है a, ये ले y equal to x tan theta 1 minus x by r। अब ये कैसे आया, ये वीडियो के शुरू पढ़ा दिया, कैसे खाली कर भैया, मेरे सामने है y बोले तो 3, x बोले तो 6, this is tan theta 1 minus x बोले तो 6, r बोले 24 भैया, ओके 3 equal to 6 tan theta, ये तेरा क्या है 1/4 3/4 3/6 = 10 θ = 2/3 बोला है ना, हो गया जी, कब हुआ लेकिन जो फॉर्मूला याद हो, इसलिए फिजिक्स हार्ड नहीं है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, ओके थैंक यू, आगे चल बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना ये 2D नहीं है, 1D हो गया, जो साफ कहता है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड का मतलब क्या दोस्तों, किसी वस्तु को आप किस एंगल से फेंक रहे हो, थीटा से, थीटा क्या बन गया 90, अपने आप क्या हो गया वर्टिकल, तो कहने का मतलब थीटा जब 90 बन जाता है तो दोस्तों 2D कन्वर्ट इनटू 1D, सिंपल सी बात है, ओके इसको बढ़ाते हैं, तो 2D 1D बन गया। अब तो खुद देख, सबसे पहले एक बॉडी एक व्यक्ति ने यहां से यहां तक फेंकी, किस वेलोसिटी फेंकी भैया, वी नोट से, और ऊपर तक जाएगी, यस जाएगी, तो अब ऐसा करें अपन यहां से यहां तक जाने में आपको दोस्तों इसका समय निकालते हैं, तो समय आपका फॉर्मूला आप जानते हो, टी इक्वल टू क्या होता है भैया, भूल गए क्या, यू साइन थीटा बाई जी, साइन क्या है 90, वन हो गया, मैं काम कर रहा हूं 2D 1 हो गया, तो t इक्वल टू क्या बच गया भैया, v नोट बाई जी, v बाई जी, और v क्या है, v नोट, मैंने कहा अगला करेगा, ये रहा मैंने कहा अगला v नोट बाई जी, तो दोस्तों आपको v नोट बाई जी टाइम तो यहां से यहां तक जाने लगेगा, बट वो कहता 1.5 v नोट जी के बाद कितना होगा, तो ये अभी बॉडी 0.5 v नोट बाई जी और चलेगी इसका मतलब ये दोस्तों ये गेंद वापस गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ये तो बात है, और कुल दूरी तय कितनी करेगी, तो पहले तो अपन ये दूरी निकाल लेते हैं, तो पेज खाली करना, ये दूरी कैसे निकालोगे, तो ये दूरी तुम जानते हो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये क्या है 0, u क्या किशोर, v नोट का स्क्वायर माइनस 2gh, तो h इक्वल टू क्या आ गया, v नोट का स्क्वायर / 2g, ये कौन है डियर h1, इसको जब आप h1 कह दो, इसको फिर अपन h2 कह देंगे, h1 होगी, अब h2 कितना गिरी आ जा, तो h2 कितना गिरी, तो उसके लिए अपन एक बार फिर देख कितना गिरी, तो तेरे सामने वही है h नोट के चक्कर पड़े h के, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन इसमें भी चक्कर पड़ेगा, तो अपन टाइम नहीं है, वापस उठा दिया भैया, तो अपना सिंपल फॉर्मूला काम आएगा v बराबर u प्लस gt, ठीक है डियर, अब इसमें फिर से बात हुई आगे डिस्टेंस के, एवरेज डिस्टेंस पे आप फिर से ऊपर आ गए, तो आपका h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मन त्रिभुज के देखिए अपने आप हाथ उठ जाता है, h को आप h2 कह दो, व्हाट इज u 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, व्हाट इज t 0.5 v नोट / g का होल स्क्वायर, दिस इज h2, देख लड़के 1/2 g इसका स्क्वायर कर, तो ये क्या हुआ 0.25 v नोट का स्क्वायर g स्क्वायर, इसको आप ऐसा करो 100 में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो गया 4, तो ये तेरे सामने h2 का मान क्या आ गया, ऊपर कौन है v नोट स्क्वायर है ना, अपॉन h g स्क्वायर अपॉन h g स्क्वायर, जी से जी कैसे लाओ 8g, ये तेरा h2 है, ये तेरा h1 है, जोड़ दे भाई v नोट स्क्वायर / 2g प्लस v नोट स्क्वायर / 8g, तो 8g कॉमन ले ले, ये 4, तो 4 ये 5, तो 5 v नोट स्क्वायर / 8g, निकाल आंसर बेटा 5 v नोट स्क्वायर / 8g, 5 v नोट स्क्वायर / 8g, 2d नहीं था 1d बन गया, पर हम थीटा हमने फॉर्मूला क्या काम 2d का ले लिया, 2d का लेके थीटा 90 में कन्वर्ट कर दिया, ओके डियर आगे चले, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साफ कहता है द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ व्हिच ए मैन कैन थ्रो स्टोन h, देख लड़के h इक्वल टू है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना, तो 1 का मतलब है u स्क्वायर / 2g, तो दोस्तों h मैक्सिमम जो है वो होगा u स्क्वायर / 2g, और r मैक्सिमम अपन जानते हैं क्या करोगे
यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इसको भी आप एक करो तो दिस इज यू स्क्वायर बाई जी। तो आर मैक्सिम यू स्क्वायर बाई जी है, एफ यू स्क्वायर बाई टू जी है, तो साफ साफ पता लग गया दोस्तों आर इक्वल टू क्या हो गया, टू एच। आर इक्वल टू क्या हो गया, टू एच। उस इसमें मैं मेरे दिमाग तकड़ा काम लग गया। हाँ बताओ कि फेस खाली करना, ये मिटा दो। हाँ आए इधर, जैसे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन में हम कहाँ गलती करते हैं और क्या हमें कम टाइम में चीजों को समझना है। जैसे मान लीजिए हम किसी प्रक्षेप्य को यहां से फेंक रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 90 पर, और मैंने इसको मेरा अधिकतम प्रयास से इसको मैं यू वेग से फेंक रहा हूं, तो ऐसे में जब ये जाएगा मैक्सिमम हाइट पे एच, ये इसकी है हाईएस्ट हाइट, तो उसको मैं ले रहा हूं एच मैक्सिमम। तो सिंपल अपना फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू जी, तो यू स्क्वायर अपॉन टू टू जी, ये आपका बेसिक फॉर्मूला बन गया, टू जी बन गया। अब देखो मैं इसमें एक बहुत शानदार बात ऐड कर रहा हूं, अगर किसी को मैं कन्वर्ट करता हूं प्रोजेक्टाइल में, तो मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को यहां से फेंका और ये अपने प्रक्षेपपात को पूरा करते हुए यहां आ गया। अब ये जो एंगल आपका था अधिकतम परास के लिए, इसको अपन कहते हैं, ये अपन जानते हैं 45, तो हाईएस्ट हाइट के लिए थीटा 90, हाँ, और हाईएस्ट रेंज के लिए कितना आपका 45। अब सुनो इसमें एक बात को मैं ऐड कर रहा था, मैं इसको यू, मेरा प्रयास वही है, वही व्यक्ति है, उसी प्रयास से मेरे को उसको फेंकने वाला है, तो उसका यू आपको उतना लेना पड़ेगा। अब इस केस में देखो हम इसकी रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज होगी यहां से यहां तक की, तो रेंज हमारे पास है कितनी, आर इक्वल टू अपन निकालेंगे तो यू स्क्वायर साइन वो 90 हो गया, वो उसको अपन करते हैं 1, तो ये है आपका यू स्क्वायर अपॉन जी। पर इस प्रक्षेप्य के दौरान प्रश्न दो यहां पे बिल्कुल यहां मिक्स कर जाते हैं कि एक तो अधिकतम प्रयास के दौरान जब प्रक्षेप्य गति करता है तो उसकी एच मैक्सिमम कितनी है, और ये व्यक्ति अपने प्रयास से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो बिल्कुल क्वेश्चन दो अलग हो गए और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा प्रश्न बन गया। अब इस कंडीशन में यानी देखो अधिकतम प्रयास के दौरान जो इसकी एच है अधिकतम वो कितनी है, उसमें आपको कोण यूज करना पड़ेगा 45। यस वहां 90 कितने का है, ये अधिकतम प्रयास रखते हुए अधिकतम हाइट है, वो अधिकतम हाइट को फेंकने का प्रयास है, मतलब कैपेसिटी है। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा, बच्चों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा, उनको मजा आ जाएगा। तो एच मैक्सिमम को अपन लेंगे, इसको तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट टू का स्क्वायर अपन करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन गया देखो यू स्क्वायर अपॉन 4z। ठीक है, स्क्वायर रूट था ये कैसे बना पता ना, ये फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या 45, तो साइन 45 क्या, तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/2, तो 1/2 टू 4g हो गए। अब इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जोरदार वाली, तो भी मजा आ गया बात का। जैसे ये एच मैक्सिमम, हां मैं इसको ऑर्डर से लेता हूं एच एच आर, ठीक है एच एच आर, तो इसमें ये एच ध्यान करें एच है, ये है हाईएस्ट हाइट, ठीक है, और इसके सिंबल को मैं यहां पे एच को एच रखा हूं, ठीक है, ये हो गया आपका एच, ठीक है, तो एच मैक्सिमम और ये आपका एच और ये हो गया आपका कैपिटल आर, ठीक है, ये आर है मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला अपने बनाया अभी, ये है यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसका वैल्यू हमारे पास है यू स्क्वायर अपॉन 4g और इसका हमारे पास है यू स्क्वायर बाई जी, यदि यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन लेके उड़ा दूं, ठीक है, तो यहां 1/2 यहां 1/4 ये हो जाएगा, यस 1/2 1/4 1, यस। अगर मैं इसको फिर 4 से गुणा और कर दूं तो अनुपात आ गया 2:1:4, बिल्कुल सही बात है। अब अगर बच्चे इस बात को पकड़ लेते हैं बस, ठीक है, 2:1:4 को, तो सारे प्रश्न इसी से ही बन जाते हैं बस। अब यार क्या बात की, देखो सुनो, पहला किशोर ने लिया एच मैक्सिमम थीटा 90 पे, फिर लिया है एच कब है? जब आर मैक्सिमम यानी 45 पे, तो 2:1:4, ये एक ट्रिक है, आप इसको समझने की कोशिश करें, एक बार अप्लाई करके देखिए, ठीक है, थैंक यू। मजा आ गया बाप यार, आगे चलोगे बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये 36 नहीं है भाई, इसका है 3m v³/16g और ये इसका आंसर है, तो सबसे पहले आपके करेक्शन कर लो इसमें, ये भूल से रह गया, ठीक है, हो गया करेक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक m मास का पिंड है, उसको v वेलोसिटी से 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसका एंगुलर मोमेंटम से पेज खाली कर दे भाई। दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो एक ऐसे आपने पार्टिकल फेंका इस पॉइंट पे जिसकी हाइट h है, इस पॉइंट पे आपको मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम तुम जानते हो m v r होता है,
ठीक है डियर, कौन है संवेग? हाँ, कौन है संवेग? एम ए वी आर है, अब तो खुद देख रहे हैं, एम तो एम है, वी यहाँ क्या होता है आप सोचो, वी का मतलब होता है इस पॉइंट का वेलोसिटी, जो बार बार कह रहा हूं पीक पॉइंट पे कौन होता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो क्या है, वी कोस 60 डिग्री मल्टीप्लाई दोस्तों वी, वी आप सॉरी आर, आर आर क्या होता है एच, तो एच यहाँ क्या होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g आ जाए। अब देखें एम वी को साठ क्या होता है 1/2, ये तेरा वी स्क्वायर है, साइन साठ क्या होता है √3/2, तो 3/4 मल्टीप्लाई 2g, तो दोस्त 3 भाग ले एम भाग ले वी क्यूब हो गया और ये 16g हो गया, आंसर निकालना बेटा, जो हमने करेक्शन किया था बार बार क्या, ये करेक्शन वाला आंसर इसका होगा, वापस एक बार पेज खाली करना, मूल बात है एम वी आर, बट आर कितना हो गया एच, क्योंकि आर का मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो यहाँ किसके बराबर है वो एच के बराबर है, तो ये अपने दृष्टि में ठीक सा क्वेश्चन आपका हो गया। ओके डियर, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन पढ़ने से दो शब्द आएंगे, एक आनंद कोण और एक उन्नयन कोण, आनंद कोण को बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और उन्नयन को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, देखना एक होता है देखना और एक होता है झुकना, ये तो है इंक्लिनेशन और वो है एलिवेशन, बस धारणा चीज का, ये दो शब्द है काम आएंगे। और वो क्या कहता है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 60 डिग्री विद ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, द टाइम टेकन फॉर द इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड टू बिकम 45 डिग्री, अगर साफ कहता है भाई 60 डिग्री के कोण पे 100 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई गोला दाग दिया आपने, वो कहता है धरती से अनंत कोण 45 डिग्री बनाने में उसको कितना समय लगेगा, तो पेशा कर दे। देखो डियर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भैया अपना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो भैया ये आपने गोली फेंकी, ध्यान दो यहां से इसने एंगल कितना बनाया 60, अब ये बॉडी यहां आ गई, कलर चेंज करो तेरे लिए, ये बॉडी यहां आ गई तो ये ऐसे है, ये ऐसे, ये कोई एंगल है वो क्या है थीटा डैश, तो ये क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और यदि मैं इसको इस तरह से मिला दूं तो यहां जो बंदा देख रहा है उसके लिए क्या है एलिवेशन, तो अल्फा तो क्या है एलिवेशन, जिसको उन्नयन कोण इंडियन कहते हैं, और ये जो यहां वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वेग है, क्वेश्चन हटा बेटा वो आपका है आनत कोण, जिसको अपन बोलते हैं इंक्लिनेशन कोण, वापस क्वेश्चन हटा दे, तो ये एक पहली बात तो दोनों एंगल को लेके आप परिभाषित हो जाए, एक तो बनता यहां से देख रहा है, एक यहां से देख रहेगा मतलब एलिवेशन, अपने कहते बिल्डिंग का एलिवेशन क्या है, तो देख रहेगा तो होता है एलिवेशन, तो वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये दोस्तों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्स का बनाया गया कोण है। ओके ये मिटा देते हैं, तो लो वापस शुरू करें भैया, ये शुरू हो जाओ क्वेश्चन दिखा भैया, अगला स्पष्ट कहता है पृथ्वी से आनंद कोण 45 डिग्री बनाने में इसको कितना समय, क्वेश्चन आ जाए बेटा जी देख डियर यहां ये बॉडी है कितने वेग से जा रही है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, एंगल कितना भैया 60 डिग्री, तो भैया बिना कुछ पूछे पंडित जी को UY तो क्या है 100 मल्टीप्लाई साइन 60 का मतलब हो गया 100 मल्टीप्लाई √3/2, तो इसका UY तो है 50√3, ऐसे दोस्तों UX की बात करो तो वो होगा U cos 60 डिग्री, और तू जानता है U का मान तो 100 है, cos 60 1/2 है वो तेरा 50 है, बस याद रख। इनिशियल स्टेज पे इसको मैं यूं कह सकता हूं डियर ये हकीकत ऐसे है, ये तेरा इस तरह से है 50i cap + 50√3j cap, ये है भाव समझ, यानी इस कण का एक्स एक्स पे वेग है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका वाई एक्स पे वेग है 50√3 मीटर पर सेकेंड, क्यों भाई ये तो करना चाहता बात, तो अब वो कहता किसी पॉइंट पे यहां जब ये कोण कितना बन जाए 45 डिग्री, तो कहता यहां इस पी से क्यू तक जाने में इसको समय क्या लगा, ये कहना चाह रहा ना, तो भैया जी मैं इसको एक बार पूरे खाली कर देता हूं, और खाली करके और मैं फिर से आपके लिए इस कहानी को समझाऊं, तो दोस्तों इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये माना कि ऐसे है और ये एंगल कितना है 45 है, ये डियर इसको मैं Vx कह सकता हूं, इसको मैं Vy कह दूं, बोल है ना yes. अब भूल गया क्या है Vx इक्वल टू तो क्या होगा Ux, बोल yes. Vx क्या होगा Ux, Ux कितना है 50,
50 अभी निकाल दिया मैंने, तो दोस्तों आप साफ साफ कह रहे हो Vx का मान 50 है, थोड़ी सी बुद्धि लगा, ये चीज 50 है, ये एंगल 45 है, तो ये चीज भी 50 ही है, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बस ये काम की चीज है। तो दोस्तों Vy क्या हो गया, इक्वल टू Vx यानी 50 पहले पढ़ दे रहे, अरे Vx कितना है 50, क्यों Ux कितना है 50, सुनो x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, तो Ux 50 तो यहां Vx 50 और ये 50 ये कोण 45 तो ये 50 करना ही पड़ेगा, तो Vy भी क्या हो गया 50। ओके अब तो खुद देख Uy तो है 50√3 और Vy है कितना बोलना भी किशोर भाई 50 तो क्या चाहिए 3 आ जा Vy इक्वल टू Uy प्लस AYT बस हो गया मेरा काम। व्हाट इज Vy बोलना 50 व्हाट इज Uy 50√3 माइनस AYG जीटी टेंटी अब आ जा 50 इक्वल टू ये अच्छे काम कर ऐसे कर दे 50 काट दे 10 से काट दे 5√3 की होती है 1.732 याद रखिए भैया टी। ओके अब मैं सीधा कर दे ये तेरा टी है ये तेरा 5 है प्लस इधर आएगा दोस्तों तो 5 × 10 आपकी 1 6 × 7 35 × 1 36 3 8 ठीक है डियर। तो ये तेरा ये माइनस ये माइनस का रहेगा ये चीज टी है ओके ये माइनस का रहेगा 0.5 ये 8 उत्तर 3.66 कुछ आंसर सुना 3.66 अगले ऐसे क्या कर रहा बोला अगले क्वेश्चन का 3.66 से देखो 45 लिया एंगल 60 नहीं लेगा लेगा तो नीट में नहीं आएगा सुन ले पे पास में तो नीट का एग्जाम देना आईटी देना भैया सीधी सी बात। ओके थैंक यू। हां तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है मैं ऐसे बोल दूं तो आप पे खाली करो ये हकीकत में क्या होता है कि मानव जमीन है यहां एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऐसे उड़ रहा है हेलीकॉप्टर स्पीड दे रही 50 मीटर पर सेकंड उसकी हाइट है 490 मीटर ये उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर को पैकेट छोड़ेगा तो ये पैकेट दोस्तों गिरते गिरते यहां गिरेगा माना यहां जवान खड़े हैं तो कहते हैं कि जवान किस दूरी पे खड़े हो कि पैकेट जाके उनके हाथ में गिरे सिंपल सिंपल 490 लिया देखो जी का मान 9.8 होना है तो डियर यहां से यहां तक जाने का इसका फ्लाइट टाइम निकाल लो अरे देखा जाए तो यार ये पूरी मोमेंट मान लो ना उसकी आधी है तो आधी का फ्लाइट टाइम क्या होता है आधी का फ्लाइट टाइम क्या होता है टी बराबर आपके सामने सामने है रूट टू एच बाई जी तो तेरे सामने टी इक्वल टू आ गया एच एच क्या भाई 500 मीटर दूर जाके पैकेट गिरेगा यानी उस समय हमारे जवान खड़े होंगे तो पैकेट हमारे जवानों के तो बाढ़ वगैरह में जब युद्ध में आपको बम कहां डालना है उसको बाकायदा एक एंगल डिसाइड करना होता है इसमें बहुत सही चीज जैसे अपन कई बार ये मेले में जाते हैं हाँ और वो गुब्बारे से होते हैं ना वहां अपन बंदूक से मारते हैं हाँ तो इसमें क्वेश्चन जब अपने नीट में ऐसे आते हैं कई बार इसका समय क्या होगा भैया एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एच किस पे है वाई पे है वाई ले लो आप जीरो हो गया क्योंकि आप जानते हो इस बिंदु पे याद है ना इस बिंदु पे वाई कंपोनेंट है जीरो होता है तो हाफ करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा पेज खाली करना आपको इस 23 नंबर से करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा इसमें दो बार आगे थोड़ा सा शॉर्ट सी बात कर दे हम लोग दोस्तों यदि ये एच हाइट है और यहां से किसी बॉडी को यहां आना है यानी हाफ पार्ट ऑफ पैराबोला तो यहां से यहां तक जाने का टाइम वगैरह इसका क्या होता है इसके अच्छा क्वेश्चन है
देखो दोस्तों, पहली बात तो इसमें हमेशा UX रहेगा, yes. और यहाँ तेरा UI क्या होगा, जीरो, बस धारणा। या UX है, UI जीरो से तेरी दुकान स्टार्ट होती है, H गिरेगी और यहां तक इसको आने में डी टाइम लगेगा। तो मैं इसको इस तरह सोल्व कर दूं, HY इक्वल टू UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब तेरे सामने सामने HY ये जीरो हो गया, दिस इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो दोस्तों T इक्वल टू 2HY बाई G का रूट। ये बहुत काम चीज है, 2HY, Y का मतलब Y के लिए 2H बोल दे। अब यहां से यहां तक जाने का समय क्या है, T। तो ये तेरी दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी तेरी किस पे है, XX पे है। XX पे कौन सा वेलोसिटी काम आएगी, U, तो वो फिक्स है तेरा, वो कौन काम आएगा, UX into T, X multiply T। अब UX तू जानता क्या होता है, U cos theta multiply T, सीधी सी बात है, या जो भी तेरा है, तो आप इसको U कह दो, R UX multiply T। और आप दोस्तों इस UX को ऐसे बाहर रख लो, और T का मान ऐसे पुट भी कर सकते हो, 2H by G। तो हकीकत देखा जाए, तो जो क्वेश्चन स्टार्ट यहां से, yes. मीनार से, छत से, और ऐसे किसी कोण से फेंके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे फेंके तो फॉर्मूला ही काम आएगा। और दोस्तों ऐसे फेंके तो फॉर्मूला यही काम आएगा, क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ही काम आना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई रोल है नहीं है। तो R इक्वल टू UX रूट 2H बाय G। बस अब आ जाए क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, एक गेंद, तो सीढ़ी बना दो ऐसे, ये जमीन है, सीढ़ी स्टार्ट यहां से पहुंच कर, ठीक है डियर, U मीटर पर सेकंड के वेग से गिरना स्टार्ट हो, तो ये गेंद ऐसे आएगी, बस। तो मीटर हो तो गेंद सीढ़ी के किनारे से टकराएगी, यदि यदि का मतलब आपको पूछा अगले ने, तो आप देखो ये ऊंचाई कितनी, एक सीढ़ी ऊंचाई कितनी है, H, और चौड़ाई कितनी है, B, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है, B, सीधा कितनी है, N। तो एक फॉर्मूला, R इक्वल टू यू मल्टीप्लाई टू एच बाई जी, फिर कर दिया, R कितना हो रहा है, N भी बोल है ना, yes, yes. वैस, और U कितना है, U, अब तेरा 2H by G, H कितना है, एक CD का, उसी डे कितने N, तो ये small N H by G, फोर स्क्वायर कर ले भैया, तो N स्क्वायर, B स्क्वायर, U स्क्वायर, 2N H upon G, आपको किसके लिए निकालनी है, N के लिए, ये कैसा आउट हो गया, तो ये N बराबर क्या बच गया, जरा बोलना, H U स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर, GB स्क्वायर, देखा आपसे बेटा बेटा, 2B, 2, 2, 2 भी रहेगा, 2H U स्क्वायर, 2H U स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर, आंसर हो गया इसका थर्ड, 23 का आंसर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है डियर, ये वास्तव बहुत अच्छा है, आगे चलो भैया, नेक्स्ट पे आओ, ये भी नीट, तो ये है, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, प्रक्षेप में B पर 2i-3j, कॉमन सेंस की बात है, 2i इधर है, -3j इधर है, जब यहां होगा तो दोस्तों ये 2i तो 2i रहेगा, ये तेरा क्या बन जाएगा, +3j, तो 2i+3j कौन सिंपल क्वेश्चन है, ये है, पर ये इसलिए एक सवा घंटा हो गया बात करते उत्तर जाके भैया फुटबॉल हुआ है, ठीक है डियर, आगे चलो दोस्तों, शायद हमने जितने क्वेश्चन किए ना उन सबके एक छोटा तथ्य होगा ना, काटता बहुत छोटा सा दर्द बहुत होता हुआ क्वेश्चन है, देखो बी इक्वल टू के वाई आई कैप के अक्ष जे, आपको पथ चाहिए, वेलोसिटी दे रखी है और पथ चाहिए, इसका मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, देखो पथ दिया हुआ हो और वेलोसिटी चाहिए, अक्ष वाई दिया हुआ, वी चल क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, वी से कहां जाना है, अक्ष वाई से, देख करके ये वी है, अरे यार मजा रख छोड़ करके, ये तेरा के, ये तेरा वी है, आई के साथ है, आई के साथ, दिस इज वी अक्ष कैप, आई कैप डालना है, और ये वी वाई जे कैप, बोल 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 है ना, बस अब तू खुद कहता है, व्हाट इज वी एक्स, वी एक्स होता है, dx होता है dx by dt, dx by dt, और लड़के dx by dt किसके बराबर है, y के बराबर, k भूल जा, k कांस्टेंट भूल जा, चल लिख दे, k लिख दिया, ky, ठीक है, और ये तेरा vy, व्हाट इज vy, dy by dt, और दोस्तों dy by dt किसके बराबर है, yes, ये रहते सर kx के बराबर है, ये मेरा हो गया dx, बस रुक जा एक मिनट, अभी बस जैसे मैंने अपनी बात पहले बोली थी, हां ये एक्चुअली क्या है,
पूछा ना द जनरल इक्वेशन, मतलब आपसे पूछा ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पूछा है और ट्रेजेक्ट्री मतलब टी से टी उसमें गाइड करना है, गाइड करना कोई कर रहा है, टी यहां पड़ा है अभी कर देंगे बाकी नहीं पड़ा। देखिए वी ये कौन है, ये वेग का अक्ष कंपोनेंट, ध्यान दो ये वेग का अक्ष कंपोनेंट है, ये वेग का वाई कंपोनेंट, बस गांठ बांध ले, ये वेग का अक्ष कंपोनेंट है, इसको के को अपन साथ करते हैं अलग के फ्रेम पड़ने वाला, तो तेरे सामने vx ky, अब ऐसा करें इसको मिटा दूं, अब भैया इसमें एक में दो का भाग दे दे, a भाग दे, dx अपॉन dt मल्टीप्लाई dt अपॉन dy इक्वल टू ky अपॉन kx, दिस इज कैंसिल आउट है और लड़के इसको मिटा दो तेरे कहने से, अब तेरे तो क्लास में तो नोट कर लिया इसको, तो दिस इज dx dy इक्वल टू dx by dy equal to k से के काट रहे? Yes. This is y upon x. अब इसको मिटा दें अपन. Cos multiply. तो तेरे सामने सामने x dx equal to y dy, ये टिका समाकलन. तो इसका समाकलन टिकाया तो x square बटे दो, इसका टिकाया y square बटे दो plus c, दोस्तों फॉर्मूला बन गया x square minus y square या x square y ये आ y square plus x square equal to कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे. आप इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से करो तो इधर से हो जाएगा, इधर इधर से हो जाएगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आया मजा, एक बार रिपीट मार क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, कंपोनेंट 2D वेलोसिटी में I का गुणक है वो vx कंपोनेंट है और J का गुणक है वो vy कंपोनेंट है, बस ध्यान रखते इसका, ओके आगे चलो, हाँ तो नियम क्वेश्चन 26 तो क्या कहता है, एक नियत क्षितिज वेग से गतिशील ट्रेन के डिब्बे में पिछले सिरे से अगले सिरे की गेंद फेंकते एक आदमी, डिब्बे में बैठा एक प्रेक्षक ए है, बाहर खड़ा बी है, उन दोनों का चित्र बताओ, आ जाए पेश करके भैया, देखो डियर आप इस डिब्बे में बैठे, बड़ा होता ट्रेन का, ये बंदा यहां गेंद ऐसे फेंकता है तो गेंद एक्चुअली दोस्तों ऐसे गिरती है, देखो घर की बात ये, पर इसके लिए तो ये गेंद चल रही है, वैसे भी चल रहा है, इसके लिए हमेशा गेंद इसके सर के ऊपर है, इसके पथ क्या है, देखिए बट यहां खड़े व्यक्ति के लिए पथ क्या है, सीधी सी बात, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए पथ क्या है, स्ट्रेट लाइन, बाहर खड़ा व्यक्ति पथ क्या है, पैराबोलिक, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपन हां नियत वेग से गति कर रही है, अपन पत्र फेंका, ये अपन अभी बात में गिर गया, आगे बात करेंगे, आगे बात इस बारे बात करेंगे, आ जाओ जी अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, तो क्या कहता है, समान क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रास, समान ऊर्ध्वाधर प्रास परंतु भिन्न क्षैतिज प्रास, भिन्न ऊर्ध्वाधर प्रास परंतु समान क्षैतिज प्रास और भिन्न ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज प्रास, तो बताओ कौन सा होगा इसमें, तो इसमें अपना ए और बी दो अपन ही चित्र लूंगा, तो जैसे जो अंदर व्यक्ति है हाँ जी उसकी प्रास तो जीरो होगी, जीरो होगी, और बाहर वाले प्रास है आर हाँ बराबर नहीं है, ठीक है, पर हाइट दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो हाइट सेम है प्रास भिन्न है, भिन्न है, तो समान ऊर्ध्वाधर प्रास परंतु भिन्न क्षैतिज प्रास, क्षैतिज प्रास, आंसर क्या हो गया, सेकंड, हाइट तो बराबर लग रही है जो पहले गेंद आपके हाथ में आएगी, आपने उछाली और ट्रेन ने ब्रेक मार दी तो आप तो पीछे गेंद आपसे आगे गिर जाएगी, आपने गेंद उछाली ट्रेन तेज होगी तो आप तो आगे निकल गए गेंद पीछे गिर जाएगी, ट्रेन इधर मुड़ गई तो गेंद आपके इस तरफ गिरेगी, इधर मुड़ गई तो ट्रेन गेंद आपकी तरफ गिरेगी, सिंपल क्वेश्चन, ओके डियर, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, अभी ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए पथ होगा स्ट्रेट लाइन और बाहर खड़े व्यक्ति के लिए पथ होगा पैराबोलिक, तो पैराबोलिक का मतलब है कि हाइट तो सेम है पर रेंज अलग अलग है, सीधी सी बात है, जिसको अपन प्रास कहते हैं, ओके डियर, आ जाए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आ जाए आप लोग नेक्स्ट में 27 में, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक कण को वी वेग से प्रेक्षित किया, क्षैतिज तल पे प्रास किसके द्वारा तय की गई, अधिकतम ऊंचाई से दुगनी है, देखो सुनो सुनो ऐसे मत करो पढ़ करो, क्षैतिज तल प्रास आर इक्वल टू 2h, 2h तो ये पढ़ा सीखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v सो द रेंज ऑन द प्लेन इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट पर सरफेस, देखो फिजिक्स में लैंग्वेज पढ़नी आपको आनी, साथ कहता रेंज इज डबल टू हाइट, ओके डियर फिर खाली करना, रेंज टू डबल टू हाइट, बस रेंज क्या होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, हाइट क्या होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी, अब मुझे नहीं पता क्या पूछ रहा मैं पूछ रहा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू g मल्टीप्लाई इसमें 2 और एक एक 2 और है भैया 2 तो फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला हो रहा है तो 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी, देख बच्चे कलर चेंज करके काट देता हूं मैं, sin थीटा से
sin थीटा काट दे, u स्क्वायर से u स्क्वायर काट दे, g से g काट दे, cos को नीचे ले जा तो tan थीटा बराबर 1 / 2 हो गया। क्वेश्चन आना भी आता है tan थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2 क्यों भाई, सही ना? बिल्कुल सही। ये आपका cos नीचे आया तो tan थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन आ जा भैया tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ओके डियर, जरा पेज खाली करना भैया। अब तू खुद देख, मैं इसको मिटाता हूं। tan थीटा 1/2 जब कहीं होता है ना, tan थीटा जब 1/2 होता है तो √5 हो जाता है भैया, सीधी सी बात है। बोलो बोलो, हां है ना? tan थीटा जब तो एक का स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ जा, अब अगला मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आ जा भैया। तो इसकी प्रास क्या है, वापस आ जाओ। तो प्रास दोस्तों आपके क्या होगी, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा / g। तेरे लिए बहुत इजी कर दूंगा मैं, 2 थीटा लिख देता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा / g। बालक मैं क्यों इसको तेरे लिए कर रहा हूं, आ जा, r इक्वल टू u स्क्वायर / g और 2 भी बाहर निकाल ले, sin थीटा, sin थीटा क्या हो रहा है 1/√5, cos क्या हो रहा है 2/√5, आ जा, ये दो और दो क्या हुए 4, तो तेरे सामने क्या आ गया 4u स्क्वायर / 5g, 5 किसको निकाल भाई 4u स्क्वायर / 5g, 4u स्क्वायर / 5g, इधर भाई पर आंसर हो गया। बोल है ना, अगला जैसे कहता वैसे करते जाओ यार। फिर मैंने एंगल निकाल लिया, एंगल इनपुट कर दी, मेरे पास एंगल नहीं था, आगे पूछा करें, आगे चला गया। आगे चलो भैया, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रभु ने चाहा तो 2021 की नीट के लिए बात करने जा रहा हूं आपसे मैं। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आते हैं। फिजिक्स का एक फंडा है न्यूमेरिकल का, वहां तीन चीज होती है, एक डेटा को कॉन्स्टेंट करता है, एक डेटा को बदलता है और एक को हमसे वो बदलवाता है। तो ये वही फॉर्मूला है जहां मुझे तीन डेटा करने, एक कांस्टेंट, एक को वेरी कर रहा है और एक को हमसे वो वेरी करवा रहा है। अगला कहता है प्रक्षेपे का उड़ान काल टी व प्रास आर है, प्रक्षेपण कोण का मान समान है, तो बताओ उड़ान काल को दुगना करने पे प्रास क्या होगी। देखो दोस्तों मैं जानता हूं प्रास का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई टी। दोस्तों यूएक्स मेरे पास नहीं है, तो मुझे यूएक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं जानता हूं मेरा टी का एक फॉर्मूला और भी होता है क्या, टू यू एक्स यू साइन थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी जी। तो जहां यू लिखा हुआ है वहां आएगा टी जी अपॉन टू साइन थीटा। ओके डियर, तो यूएक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई ध्यान पास जल्दीबाजी। देखो r इक्वल टू होता है u x t, अभी बताया आपको थोड़ी पहले बारे, r जब भी निकालना हो r किस पे है, x x पे है, तो x x का वेग जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई t ले लिया। अब मेरे को भैया u x रिप्लेस बाय u cos थीटा, t का मान 2u sin थीटा / g, मेरे को u को उठाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास u है ही नहीं, तो जहां u लिखा हुआ क्या आएगा t g 2 sin थीटा cos थीटा t। दोस्तों अगला साफ कहता है थीटा क्या है सेम, ये सॉरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये ले मेरे पुत्र r t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब तो खुद कहता है टाइम दुगना करेगा तो r तेरी चार गुना हो जाएगी, ये है देख भाई आ बजा करते करते कहां से कहां आ गए, देखिए थैंक यू, आगे चल पुत्र। ये तो बचपन का क्वेश्चन है, एक पिंड एज का मास m है 30 डिग्री पे फेंका, अन्य पिंड जिसका द्रव्यमान पहले पिंड के समान है समान वेग से 60 फेंका, तो क्षैतिज प्रास एक अनुपात फेंक yes। अरे मास का रोल नहीं हुई, अरे भाई 30 और 60 में रेंज क्या होती है बराबर, ये बात बहुत बार कर चुके छोड़ो। अरे चलो देखो डियर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट एक बात याद रखो रेंज बराबर होना तो एक एंगल 30 ले लो और एक एंगल 60, तो दिमाग की जरूरत नहीं पड़े। ये क्या कहता है भाई, एक गेंद को एक ही बिंदु से अलग अलग एंगल फेंका, U क्या है भाई कांस्टेंट, इस प्रकार कहते हैं कि रेंज क्या है समान, तो सीधी सी बात है यार। ओ भाई ऐसा नहीं, ऐसा करें तो एक को ऐसे कर दे और एक को ऐसे कर दे, ये तेरा 30 डिग्री एंगल है और ये तेरा 60 डिग्री एंगल है, रेंज दोनों की सेम होगी, हाइट दोनों की क्या है अलग अलग है। और फिर कहता है y1 को y2 में ऐड करना, पेज खाली कर दे बेटा, पेज खाली कर दे आ जा। देख डियर हाइट क्या होती है y1, y1 क्या है u स्क्वायर sin स्क्वायर 30/2g, y2 क्या होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर 60/2g, सीधा कर लो u स्क्वायर / 2g, व्हाट इज sin 30 1/2 का स्क्वायर माने 1/4, इधर आ जा
यू स्क्वायर बाई टू जी साइन 60 क्या होता है रूट थ्री बाई टू कितना हो गया 3/4 तो दोस्तों आपके सामने सामने दिस इज यू स्क्वायर बाई 8g और दिस इज 3u² / 8g तो ये तेरे सामने 4u² / 8g आ गया तो आंसर आ गया u² / 2g आंसर करना बेटा u² / 2g तो आंसर आ गया बट इसमें एक कॉमन बात है 30 और 60 लेने पड़ेंगे अब ये तो अपने को प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने ठीक है आगे चलो हाँ दोस्तों क्वेश्चन 31 ये भी वैसे क्वेश्चन है एक डेटा दिया हुआ है एक कॉन्स्टेंट एक पूछा है तो साफ कहता है एक कण को इनिशियल वेलोसिटी से प्रेषित किया 50 मीटर दूरी तय करता है उसी तल में जब उसको दुगने वेग से प्रेषित कर दिया तो बताओ इसके द्वारा तय की डिस्टेंस क्या है देखो ध्यान दो अगला साफ कहता वही प्लेन है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ / g तो स्पष्ट कह रहा है ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार प्रारंभिक वेग वेलोसिटी है 50 मीटर तय करता उसी तल में जब दुगना वेग उसी तल का मतलब एंगल क्या हो गया कांस्टेंट सिंपल सा हो गया यार आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर यू आपने क्या कर दिया डबल तो 4 गुना हो गया पहले कितना था 50 कितना हो गया 200 मीटर ओके डियर थैंक यू नेक्स्ट पे आओ बेटा जी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड इट हिट्स द ग्राउंड एट 45 डिग्री व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है पेज खाली कर देखो डियर ये आज की क्लास का सबसे सुंदर क्वेश्चन है ये आदमी यहां खड़ा है और यहां से पार्टिकल ऐसे फेंकता है जो इधर आके ऐसे गिरेगा ये तो बात है ना yes. इसकी हाइट जो भी कुछ है अब ये वेलोसिटी क्या दी इसने 18 मीटर पर सेकंड जो पूरी गति के दौरान क्या रहेगी निश्चित बट यहां जब ये आएगी तो दोस्तों यहां इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे वापस आना क्वेश्चन में और अगला साफ कहता वो एंगल जो है वो 45 डिग्री है वापस आ जाओ खाली कर 45 डिग्री है भाई सीधी सी बात है 45 डिग्री है तो स्पष्ट बात है दोस्तों ये 18 है ये भी 18 है 10 थीटा लंब बटे आधार क्वेश्चन आ जाए बेटा जी तो आंसर हो गया इसका 18 मीटर पर सेकेंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ डियर क्वेश्चन नंबर 33 आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन आ गया देख भाई वो कहता है एक वस्तु को बिंदु ए से v1 वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं उसी समय दूसरी वस्तु बी v2 वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं वो कहता है कि वो दोनों वस्तु टकराएं मतलब देखो एक इधर से याद है ना वो एक कौन से किसी के वो जहाज को आतंकवादी उड़ा दिया था तो वो एक गोली इधर से गिर जहाज उधर से आया तो ये ऐसे जाके टकराएं तो देख सुन इसको दूरी ये चलनी है इसको दूरी ये चलनी है तो दोनों वस्तुओं के टकराने के लिए V2 V1 का अनुपात चाहिए आपको दोस्तों ये तो बात करना चाहता है तो भाई सुन सबसे पहले आप एक काम करें बी बॉडी को ले लो तो बी बॉडी के लिए तो साफ साफ है H = ut ऐसे नहीं है अपने पास तो अपन क्या कहेंगे v² / u² - 2gh ये आपका क्या हो गया 0 तो H = है u² / 2g तो इसको अपन कह सकते हैं v² / 2g बोलो किशोर सर स्पेसिफिकली सी बात भूल जाओ इस बॉडी को यहां पहुंचाना है इस बॉडी को यहां पहुंचाना है तो v² / u² - 2gh v क्या है 0 क्योंकि टकराएंगी हाईएस्ट बिंदु हो गया ना फिर वहां जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 तो भैया जी आपके सामने सामने h की वैल्यू आ गई v² / 2g और वो जो प्रश्न है प्रक्षेप वाला उसका h का फॉर्मूला तू जानता क्या होता है v1² sin² θ / 2g इसको आप h कहेंगे अब v1² तो v1² है देख भाई अगला साफ ये तो थीटा कितना है 30 डिग्री sin θ क्या होता है रिसोर्स 1/2 तो क्या हो गया 1/4 तो ये क्या हो गया h यस पेज खाली करना भैया जी तो दोस्तों सीधा फंडा है v2² / 2g = v1² / 8g इसको काट दो इसको इससे काट दो और ये v1 / v2 तो v1 / v2 का मतलब ये तेरा 2/1 आंसर निकालना भैया क्या पूछा अगले क्वेश्चन का v2 / v1 पूछा है तो भैया 1/2 कर दे यस थर्ड आंसर हो गया 1/2 इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बोलो हाँ या ना ओके डियर तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है दोस्तों ये गुरु नीति का चौथा लेक्चर आपके पास हो गया है जो आपको दिखाई देगा आज 3 नवंबर आप 3 नवंबर को देख रहे हैं आपके अपने CLC दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस पे परफेक्टली काम कर रही है
आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की परमिशन मिलने के बाद प्रीपीट का सेपरेट बैच है, गुरु नीति आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारा स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब बातें हैं। हम चाहते हैं देश के किसी कोने में बैठे हों 2021 की फतह आपको करनी है तो आप सीएलसी करा जाओ, सारी व्यवस्थाएं आपको सीएलसी द्वारा दी जाएंगी। ओके डियर, फिर मिलते हैं 5 नवंबर को फिजिक्स के 5वें टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय सीएलसी।